हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पर्सनैलिटी थ्योरीज, पर्सनैलिटी असेसमेंट। और ये लर्निंग के बाद दूसरा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हर साल आप क्वेश्चंस उठा के देख लो, पर्सनैलिटी के 4-5-6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर हम टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी को डिस्कस करेंगी। और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे पर्सनैलिटी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो पर्सनैलिटी का पहले डेफिनेशंस जानेंगे, उसके बाद थ्योरीज वगैरह भी पढ़ेंगे, ओके। तो पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आ रहा है, और पर्सोना शब्द का अर्थ है मार्क्स। पर्सोना शब्द का अर्थ है मार्क्स। मार्क्स मतलब फेशियल मेकअप, जिसको लगाने के बाद आप क्या करते हो, उसी के हिसाब से आप अपना डायलॉग कहते हो, अपना रोल अदा करते हो, अपना सब कुछ, मैनर वगैरह सब कुछ आप उसी के आधार पे दिखाते हो। हमारे यहाँ पर जैसे रामलीला होता है, वेरियस प्लेज होता है, वहाँ पर जो एक्टर लोग होते हैं, जो मास्क लगाते हैं, यानी कि जो मेकअप करते हैं, जो ड्रेसेस लगाते हैं, उसी के आधार पे वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, या फिर डायलॉग कहते हैं। यही पर्सनैलिटी के साथ भी है। पर्सनैलिटी आपका जैसा होगा, थ्रू पर्सनैलिटी यू बिहेव, यू टॉक, यू इंटरेक्ट। तो क्या है पर्सनैलिटी का रियल अर्थ, क्या है मीनिंग, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह के साइकोलॉजिकल पैटर्न है इंडिविजुअल में, साइकोलॉजिकल पैटर्न है। और ये साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके बिहेवियर में झलकेगा, आपकी कहने की स्टाइल, आपकी बोलने की स्टाइल, आपका बिहेव की स्टाइल, सारे स्टाइल में ये साइकोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिलेगा। सभी सिचुएशंस में आप वही साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करोगे। जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वही साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करोगे। कोई भी सिचुएशंस आ जाए, कैसा भी सिचुएशंस आ जाए, वहां पर कहीं ना कहीं वही साइकोलॉजिकल पैटर्न दिखेगा ही दिखेगा। और उसी को कहा जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो जैसा पर्सनैलिटी वाला होगा, सारे कार्यों में वही पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ झलकेगा ही झलकेगा, ओके। तो यही है पर्सनैलिटी। कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी को और एक तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल जैसे अपनी फिजिकल वर्ल्ड से, सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके इंटरेक्शन से हमको पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। वो जो इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करने के चलते एक स्टाइल को वो परफॉर्म करेगा, एक पर्सनल स्टाइल को वो परफॉर्म करेगा, जो कि आप देखोगे उसके थॉट पैटर्न से, इमोशन के पैटर्न से, बिहेवियर के पैटर्न से, उसका एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स नज़र आएगा। डिस्टिंक्टिव पैटर्न या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न आपको नज़र आएगा, वही उसका पर्सनैलिटी है। अगर आप देखोगे रजनीकांत एक बस ड्राइवर थे, ऐसे कहते हैं, वो एक स्टाइल से बोलते थे, वो एक स्टाइल से टिकट लेते थे, वो एक स्टाइल से क्या करते थे, वो एक स्टाइल से पैसे लेते थे, वो कॉइन का मूव करना, ये सब क्या है, ये सब उनका डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर को बता रहा है। यही तो उनका पर्सनैलिटी है ना, इसी से ही वो खास बनते हैं। यही कहना है पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट का, यही कहना है साइकोलॉजिस्ट का, ओके। तो फेमस डेफिनेशंस क्या है वो भी थोड़ा दे ले। ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि एल्पर्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सारा काम किया है, ओके। तो एल्पर्ट का डेफिनेशंस क्या है, ये कहते हैं पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये स्टैटिक है ही नहीं। पर्सनैलिटी को आप देखो, अभी जो आप बोल रहे हो, कह रहे हो, क्या ये हरदम ऐसा ही रहेगा, नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस के चलते, बहुत सारी परिस्थितियों के चलते, समय के रुझान के चलते आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपके थॉट्स पैटर्न में, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो चेंज आ रहा है तो ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। ये कहना है एल्पर्ट का, एल्पर्ट का। और ये जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिविजुअल्स का, ये क्या करता है, ये आपका बिहेवियर पैटर्न को दर्शा आता है, ये आपका थॉट पैटर्न को दर्शाता है, ये ही आपको डिटरमाइन करेगा, यही आपका पर्सनैलिटी है, यही आप हो, यही आपका
पर्सनैलिटी है ये कहना है एलपॉट का। फिर गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं पर्सनैलिटी एक यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट है, आप में जो ट्रेट्स वगैरह बहुत सारे हैं ये यूनिक पैटर्न है, इसी पर्सनैलिटी के चलते, इसी पैटर्न के चलते आप जाने जाओगे, ये आपका आइडेंटिटी जैसा ही है, ये कहना है गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड का। और ये ट्रेट के चलते ही आप डिस्टिंग्विबल हो पाओगे, आपको लोग जानेंगे, आपको भीड़ में से भी पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक अलग तरह के पर्सनैलिटी है, डिस्टिंग्विशेबल। फिर फ्रीडनबर्ग क्या कहते हैं, फ्रीडनबर्ग उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। और इसी बुक में इन्होंने क्या किया है, जो बड़े बड़े थिंकर्स ने पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन किया है उसको वो अच्छे से अध्ययन करके, उसको समराइज करके एक यूनिक लेवल का पर्सनैलिटी का डेफिनेशंस देते हैं फ्रीडनबर्ग। और वो कहते हैं पर्सनैलिटी एक स्टेबल सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, जहाँ पर आप उसी पैटर्न के चलते, उसी स्टेबल सिस्टम के चलते आइडेंटिफाइड होते हो, आइडेंटिफाइड होते हो, यही पर्सनैलिटी है यहाँ। तो क्या है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, क्योंकि ये तीनों ने ही पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में कहा है, एलपॉट भी कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट, गिलफोर्ड भी कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट, और फ्रीडनबर्ग भी कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट। तो क्या है पर्सनैलिटी ट्रेट, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बिहेवियर जो कि आप लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आप एग्जिबिट करते हो, दिखाते हो, शो करते हो, उसी को ही पर्सनैलिटी ट्रेट कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 परिस्थितियों में सिर्फ एक परिस्थिति में गुस्सा हो गए तो आप गुस्सेल हो, ऐसे कहा जाएगा, नहीं। आप 99 परिस्थिति में साइलेंट हो तो आपको कहा जाएगा साइलेंट नेचर वाला, आपका पर्सनैलिटी साइलेंट नेचर का पर्सनैलिटी है, ऐसे कहा जाएगा। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आप जो ट्रेट्स दिखा रहे हो वही होगा आपका पर्सनैलिटी ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट। जैसे कि आप देखोगे कई कई बच्चे साय होते हैं, कई कई बच्चे एग्रेसिव होते हैं, समेसिव होते हैं, लेजी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, कोई कोई एम्बिशियस होते हैं, टिमिड होते हैं, ये क्या है, हम हमारे जीवन में आप मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आप देखोगे कि जो ट्रेट हम मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा रहे हैं वही हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट होगा। ओके, तो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, ये डायनामिक इन नेचर है, डायनामिक इन नेचर है, डायनामिक का अर्थ है ये चेंज होता रहता है। अभी जो पर्सनैलिटी आप दिखा रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा, आपका लर्निंग स्टाइल जब बढ़ेगा, बहुत सारे फैक्टर जब आपके अंदर इंक्लूड होंगे या फिर अफेक्ट करेंगे, आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा, आपका वे ऑफ सीइंग चेंज हो गया तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है ही नहीं। फिर ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी का, एनवायरनमेंट का, हेरिडिटी के चलते भी पर्सनैलिटी आते हैं, एनवायरनमेंट के चलते भी हम पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट हेरिडिटी भी होता है, एनवायरनमेंट के द्वारा सेव भी होता है, सिचुएशंस के द्वारा हम सीखते हैं, लर्निंग के द्वारा भी हम उसको सेव करते हैं। तो ये हेरिडिटी का प्रोडक्ट भी है, एनवायरमेंटल का भी प्रोडक्ट है। फिर पर्सनैलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर है, पर्सनैलिटी में बहुत सारे ट्रेट्स आएंगे, बहुत सारे ट्रेट्स है, ऐसा नहीं है कि आप में सिर्फ एक ही ट्रेट है, बहुत सारे ट्रेट्स है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, लॉट्स ऑफ बिहेवियर शोन बाय द ह्यूमन पर्सनैलिटी। ह्यूमन पर्सनैलिटी बहुत सारे बिहेवियर का निचोड़ है, तो बहुत सारे बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी इफेक्ट होता है लर्निंग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाएगा, आपका लर्निंग जितना बढ़ता जाएगा, आपका पर्सनैलिटी भी चेंज होता जाएगा, ग्रूम होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, या फिर सबसे बेहतर होता जाएगा। तो क्या है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, वेरियस साइकोलॉजिस्ट कैसे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप देखोगे जो पर्सनैलिटी को स्टडी करने वाले हैं वो वेरियस वे में इसको स्टडी करते हैं। कोई कहेगा कि एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करेंगे पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, वो हो जाएंगे टाइप थ्योरी वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसके ट्रेट के हिसाब के, क्वालिटीज के हिसाब से उसको हम डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रेट थ्योरी। कोई कहेंगे नहीं, हमारे अंदर जो गहरे अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स है, अनकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं है, उसी के चलते हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है। फिर फेनोमेनोलॉजिस्ट जो आएंगे वो कहेंगे ये फेनोमेना का चक्कर है, फेनोमेना
के आधार पे ही यहाँ पर क्या होगा, पर्सनैलिटी डिफाइन किया जाएगा। सोशियल बिहेवियरिस्ट क्या कहेंगे, नहीं सोसाइटी के आधार पे हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फिर रोटर आएंगे, ये अपना थ्योरी देंगे। तो बहुत सारे थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। तो पहला हम पढ़ेंगे टाइप थ्योरी को आप देखोगे कि ये सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसी पैटर्न के आधार पे वो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे और बताएंगे कि उनका पर्सनैलिटी क्यों ऐसा है, ये पैटर्न के चलते ही ऐसा है, वो पैटर्न के चलते ही ऐसा है, ऐसा कहेंगे टाइप थ्योरी। तो क्या है वो बिहेवियरल पैटर्न? वो बिहेवियरल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पैटर्न ऑफ बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड टाइप हो सकता है, बिहेवियर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, या फिर कोई सोमेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई थीन है, कोई फिट है, कोई मोटा है, उसको लेके भी वो क्या करेंगे, पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करेंगे। ये है टाइप थ्योरी। यहाँ पर आएंगे हिपोक्रेट्स आएंगे, क्रेस्मर आएंगे, सेल्डन आएंगे, कार्ल यंग आएंगे, फ्रेडमैन आएंगे, मैन आएंगे, ये सारे आएंगे टाइप थ्योरी में। इनका सभी का थ्योरी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन वे ऑफ सीइंग पर्सनैलिटी देखेंगे, ओके। अगर हम चरक को पढ़ेंगे, चरक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे चरक, और उनका जो एक बुक है चरक संहिता, यहाँ पर वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको तीन ह्यूमरल एलिमेंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिनको वो नाम देते हैं त्रिदोष। और ये पर्सनैलिटी को इसी के आधार पे ही डिफाइन करते हैं, जैसे कि वात हो गया, पित्त हो गया, कफ, ये तीनों को लेके ही वो आपके डिजीज के बारे में बता देंगे, आपके वे ऑफ सीइंग बता देंगे, आपके थिंकिंग थॉट पैटर्न इसी के ही बैलेंस या फिर इम्बैलेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो क्या करते थे, वो आपके बस नॉब्स को पकड़ लेंगे और नॉब्स को पकड़ के ही आपके सारा कुछ वो बता देंगे, इतना गहरा लेवल का इनका नॉलेज था। तो ये क्या कहते हैं, ये भी एक पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, ओके। और इसी पैटर्न के चलते ये क्या करेंगे, तीन गुणों की बात करेंगे, जैसे कि हमने सांख्य में भी पढ़ा था सत्व रजस और तामस, ओके, वो भी एक पैटर्न ही है। तो ठीक वैसे ही पाश्चात्य जगत में एक बहुत ही बड़े विचारक आए, फिजिसिस्ट आए, जो कि है ग्रीक फिजिसिस्ट हिपोक्रेट्स। इनको भी कहा जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है। और ये भी एक टाइप थ्योरी जो देते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक पैटर्न की बात करते हैं। ये कहते हैं हमारे बॉडी में चार टाइप के फ्लूइड होते हैं, जो कि है येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लॉट और फ्लैगम। ये चार जो फ्लूइड है, लिक्विड है, ये लिक्विड के चलते भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों को डिफाइड कर सकते हैं उनके पर्सनैलिटी के आधार पे, ओके। तो हिपोक्रेट्स कहते हैं ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड का डोमिनेंस ही आपके पर्सनैलिटी को बताएगा, जिसमें जो डोमिनेंस ज़्यादा होगा उसी के आधार पे उसका पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाएगा, ये कहना है हिपोक्रेट्स का। तो वो चार कैटेगरी क्या है वो भी देख लेते हैं। वो पहले कैटेगरी कहते हैं सेंग्विन। सेंग्विन का मतलब क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट रहता है ब्लड, ब्लड का डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर आप देखोगे एक्टिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और बहुत ही खुशमिजाज रहेंगे, यानी कि ये पॉजिटिविटी से भरे हुए व्यक्ति होंगे सेंग्विन, ओके। फिर होंगे कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब क्या है, ये यहाँ पर डोमिनेंट फ्लूइड होगा येलो बाइल, और ये ज़्यादातर हाइपर एक्टिव रहेंगे। एक्टिव तो नहीं, ये हाइपर एक्टिव रहते हैं, एंगर इनमें ज़्यादा होगा, पैशनेट ज़्यादा होंगे, इरिटेबल ज़्यादा होंगे, ये हाइपर एक्टिव होंगे, ओके। फिर तीसरा वाला है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक में कौन सा फ्लूइड ज्यादा डोमिनेंट रहता है, वो रहता है फ्लेगम, या फिर आप कह सकते हो म्यूकस। और ये रहने से ये बंदे ज्यादातर आप देखोगे तो इनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, ये काम होंगे, ये इनडिफरेंट होंगे, ये स्लगीस होंगे, थोड़ा सा स्लो होंगे, ओके। ज़्यादातर ये सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि इनडिफरेंट रहने की कोशिश करेंगे, ओके। फिर जो लास्ट है वो है मेलेनकोलिक। मेलेनकोलिक में ज़्यादातर ब्लैक बाइल का डोमिनेंस रहेगा, और ये ज़्यादातर आप देखोगे जो पेसिमिस्ट व्यक्ति है, डिजेक्टेड फील करने वाले, सैड फील करने वाले, डिप्रेस पर्सन है, ये इसके अंडर आएंगे। तो ये चार कैटेगरी बताते हैं
क्रीड्स फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। ओके, तो फिर दूसरा टाइप का आता है क्रेस्मर का। क्रेस्मर का टाइप थ्योरी, टाइप थ्योरी ये भी क्या करते हैं, ये भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख के ये भी कहते हैं कि पर्सनैलिटी को हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख के बता सकते हैं। तो ये भी चार कैटेगरीज बताते हैं। पहला कैटेगरी है पिकनिक। पिकनिक वाले ज़्यादा जो होते हैं वो ज़्यादातर फैट बॉडीज होते हैं या फिर हैवी बॉडीज वाले होते हैं, यानी कि फैट पर्सन्स होते हैं। इनका बॉडी आप देखोगे ये हाइट में शॉर्ट होंगे और इनका जो गर्दन होगा वो ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा थिक होगा, क्योंकि वो फैट है। फैट लोगों का गर्दन ज़्यादा मोटा होता है। और ये ज़्यादातर आप देखोगे क्योंकि फैट है, खाने पीने वाले लोग हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस लोग होंगे, रेपुटेड लोग होंगे सोसाइटी के। और इनका टेम्परमेंट अगर देखोगे ये सोशिएबल ज्यादा होंगे, ये चीयरफुल ज्यादा होंगे, हैप्पी गो लकी वाले होंगे। और ये ज्यादा क्या पसंद करेंगे, खाना और सोना, खाना और सोना ये ज्यादा पसंद करेंगे। आराम पसंद व्यक्ति का कैटेगरी यहाँ पर आएगा। ओके, और क्रेस्मर इनको एक नाम देते हैं, ये है साइक्लॉयड, साइक्लॉयड। और ये ज्यादातर अगर आप साइकोपैथोलॉजी पढ़ोगे यहाँ पर एक टाइप आता है मैनिक डिप्रेसिव टाइप, इसमें ये आने की संभावना ज्यादा है, मैनिक डिप्रेसिव टाइप। ओके, फिर जो सेकेंड टाइप का कैटेगरी है वो है एस्थेनिक। एस्थेनिक इसको फिर लेप्टोसोमेटिक भी कहा जाता है, कोई कोई बुक्स में आप एस्थेनिक ना देख के लेप्टोसोमेटिक भी पाओगे। ओके, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर आप देखोगे कि ये टॉल होंगे और थीन होंगे, टॉल होंगे थीन होंगे, इनके मसल्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, यानी कि अंडर डेवलप्ड होंगे। ये ज्यादातर पतले होंगे, यानी कि इनका वजन भी बहुत कम होगा, अंडर वेट ये ज्यादा रहेंगे। और ये इनका अगर आप टेम्परमेंट देखोगे, पर्सनैलिटी देखोगे, तो ये इरिटेबल ज्यादा रहते हैं, सर्क ज्यादा रहते हैं, और ये ज्यादातर उत्तरदायित्वों से भागेंगे, क्योंकि पतले है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, भागते हैं। ओके, ये ज़्यादातर सोशिएबल नहीं होते, सोसाइटी से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, रिजर्व रहते हैं, साय नेचर वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये पेसिमिस्ट होते हैं। और ये क्वालिटी तो इनका बहुत ही डीप इंग्रेडिएंट है। ये ज़्यादातर क्या करेंगे, ये अपनी ही एक दुनिया का निर्माण करेंगे, उसी दुनिया में वो घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आपके दुनिया में वो आएंगे ही नहीं, इनका एक अलग सी दुनिया होता है। डे ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमर्स ये होते हैं। और क्रेस्मर क्या कहते हैं, जैसे यहां पर नाम दिया था साइक्लॉयड का, इनको भी ये कहते हैं श्रीजॉयड है, ये श्रीजॉयड, क्योंकि इनके अंदर एक डिसऑर्डर जात हो सकता है इनफेरियोरिटी का, जिसको कहा जाता है श्रीजोफ्रेनिया, श्रीजोफ्रेनिया। ओके, जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं श्रीजोफ्रेनिया। फिर जो तीसरे टाइप का ये बताते हैं वो है एथलेटिक। एथलेटिक का मतलब है ये फिट और फाइन होंगे, ये मस्कुलर टाइप होंगे, इनका बॉडी वेल बिल्ड होगा, ये ना ज्यादा टॉल होंगे ना ज्यादा शॉर्ट होंगे, ये वेल फर्निश्ड होंगे, वेल बॉडी होंगे, इसीलिए ये स्टेबल भी रहेंगे, काम भी रहेंगे, और ये सभी जगह में एडजस्ट हो पाएंगे। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एडजस्टेबल, पॉजिटिव, हैप्पी, ये सारा कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, और ये तीनों का अगर आप देखोगे, ये तीनों का मिक्सचर अगर कुछ क्वालिटी है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि महीन से आप तीनों को गार खींच लोगे और तीनों को अलग अलग कर दोगे, ऐसा नहीं होता। सभी में कुछ कुछ मिक्सचर भी होते हैं, कोई बहुत ही ऊंचा भी होगा और वो फैट भी हो सकता है, इसीलिए ये तीनों का भी कुछ कुछ मिक्सचर वाले भी होते हैं, जिसको कहा जाता है डिसप्लेस्टिक। माना ही तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का कुछ कुछ क्वालिटी उसमें मिक्स है। तो ये चार प्रकार के कहते हैं क्रेस्मर। फिर जो तीसरे व्यक्ति है वो है सेल्डन, विलियम एच सेल्डन, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन है। इन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के एक बहुत ही बड़ा टाइप थ्योरी दे दिया। इनके थ्योरी को कहा जाता है समाटो टाइप थ्योरी। समाटो यानी कि बॉडी, बॉडी के ये टाइप्स को देख के, बॉडी के ये स्ट्रक्चर को देख के, फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के ये पर्सनैलिटी बता देंगे। तो इनका जो टाइप थ्योरी है ये एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक करके तीन नाम से ये अपना थ्योरी देंगे। तो वन बाय वन देखते हैं क्या है इनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो एंडोमॉर्फिक को सेल्डन कहते हैं भिस्केरोटोनिया। क्या है, एंडोमॉर्फिक का दूसरा नाम है भिस्केरोटोनिया। और यहां पर
आप देखोगे ज्यादातर जो फैट वाले व्यक्ति होंगे, ये ज्यादा फैट वाले व्यक्ति होंगे, गोल टमोल वाले व्यक्ति होंगे, जो कि वेट लूज कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि और मोटा और मोटा और मोटा होते जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आएंगे एंडोमॉर्फिक, यानी कि इनका मसल्स आप देखोगे, इनका बोन आप देखोगे, ये कमज़ोर होता है। ये खा पी के सिर्फ इनमें क्या होता है, इनमें फैटी बॉडीज ज़्यादा रहता है, ओके। और ये भाई आराम पसंद वाले है, दे फॉन्ड ऑफ कम्फर्ट, कम्फर्ट को ये ज़्यादा प्रिफर करेंगी, ये खाने पीने को ज़्यादा प्रिफर करेंगी, मौज मस्ती को ये ज़्यादा प्रिफर करेंगे। इनका अगर आप पर्सनैलिटी देखोगे, ये ज़्यादातर सोशिएबल, फ्रेंडली, हैप्पी, एफेक्शनेट, ऐसे व्यक्ति में ये आएंगे, ऐसे क्वालिटी ये प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो सबसे गहरी क्वालिटी है वो है लेजीनेस, क्योंकि ये खाने पीने वाले लोग हैं, कम्फर्ट को ये ज़्यादा प्रिफर करने वाले लोग हैं, इसीलिए इनमें लेजीनेस ज़्यादा होता है। अगर हम क्रेस्मर से तुलना करिए, डायरेक्ट तुलना भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ देता है, इनका एंडोमॉर्फिक क्रेस्मर का किससे रिलेट करता है, इसको आपको अच्छे से जानना है। क्रेस्मर का जो पिकनिक टाइप है, इससे ये रिलेट कर रहा है, ओके। फिर जो दूसरे टाइप का है वो है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक को सेल्डन कहते हैं, सेमाटोटोनिया, सेमाटोटोनिया, ये भी क्वेश्चंस आता है, सोमाटोटोनिया हो गया, सेरेब्रोटोनिया हो गया, या फिर पहला वाला हो गया, इसको आप अच्छे से याद कर लो, ओके। तो इसको सेल्डन कहते हैं सोमाटोटोनिया, ओके। और यहां पर आप देखोगे पहला वाला तो बहुत ही मोटा था, लेकिन ये मीडियम वाला, एम से आप याद करोगे मीडियम वाला, ये ज्यादातर आप देखोगे बैलेंस बॉडी वाले होंगे। इनको आप देखोगे कि ये हार्ड स्किन वाले होंगे, मस्कुलर स्किन वाले होंगे, थिक स्किन वाले होंगे, और ये ज़्यादातर एक बेहतर पोस्चर रखने वाले, यानी कि एक बैलेंस बॉडी, एक अच्छे बॉडी रखने वाले होंगे मेसोमॉर्फिक। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होगा, बोन भी स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादातर आप ऐसे व्यक्तियों को देखोगे, ये रिस्क लेने वाले होंगे, एग्रेसिव रहने वाले होंगे, एसर्टिव रहने वाले व्यक्ति होंगे, ओके। और इनका अगर क्वालिटी को आप देखोगे, इनमें ज़्यादा एनर्जी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, ओके। तो ये क्रेस्मर का कौन से कैटेगरी में आएंगे, क्रेस्मर का ये एथलेटिक के कैटेगरी में आएंगे, ओके। फिर जो तीसरा है वो है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक को सेल्डन कहते हैं सेरेब्रोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया, और ये ज्यादातर पतले होते हैं, दुगले होते हैं, ये बहुत ही टॉल होते हैं, स्किनी, वीक एंड टॉल, ओके। और ये ज्यादातर आप देखोगे ये अंडर डेवलप्ड होते हैं, और ये पतले होते हैं, इसके चलते इनमें थोड़ा इन्फीरियरिटी फीलिंग्स रहता है, यानी कि ये पेसिमिस्ट होंगे, अनसोशियबल होंगे, रिजर्व होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, ओके। तो ये क्रेस्मर के कौन से कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे एस्थेनिक, यानी कि लेप्टोसोमेटिक कैटेगरी में आएंगे, ओके। तो ये है सेल्डन का सोमेटोटाइप। फिर हम देख लेते हैं स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने उनका जो बुक है टाइप्स ऑफ मैन, यहाँ पर सिक्स टाइप की मैन के बारे में ये बात करते हैं, सिक्स टाइप के पर्सनैलिटी के बारे में ये बात करते हैं। ये ज़्यादातर आप देखोगे वे ऑफ लिविंग को लेके, उनके वैल्यू सिस्टम को लेके इन्होंने कैटेगरी डिफाइन किया है, ओके। तो ये भी टाइप है, टाइप ऑफ मेंस, टाइप ऑफ पीपल, ओके। तो पहला कैटेगरी वो देते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब ये थ्योरी वाले होंगे, थ्योरी पर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि थ्योरी लवर्स होंगे। दे आर द सीकर ऑफ ट्रूथ, ये सच्चाई को ढूंढने वाले, परम सत्य को ढूंढने वाले व्यक्ति होंगे। जैसे कि आप देखोगे, जैसे फिलोसॉफिकल लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये गॉड, वर्ल्ड, रिलीजन, सुप्रीम रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये सारा कुछ ये ढूंढने की कोशिश करेंगी। ये ऐसे नहीं ढूंढेंगे कि कुछ ने कह दिया तो उसको मान लिया, वो रीजन के द्वारा, लॉजिक के द्वारा ये ज्यादातर सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं थ्योरेटिकल टाइप, थ्योरेटिकल टाइप। एक एग्जांपल से हम सारे के सारे छह को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। ऐसे व्यक्ति को अगर आप इनके सामने रोज ले आओगे, रोज फ्लावर ले आओगे, तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे ये फ्लावर जितना सुंदर है, वो बनाने वाला भी कितना सुंदर होगा, ऐसे कहेंगे। या फिर ये ऐसे कहेंगे कि ये जो रोज़ देख रहे हो, ये रोज़ को बनाने वाला कौन है, ये अल्टीमेट रियलिटी कौन है भाई, ये क्वेश्चंस करेंगे थ्योरेटिकल टाइप वाले। यानी कि रोज़ को ये रोज़ की तरह नहीं देख रहे, रोज़ को एग्जिस्टेंस की तरफ ले जा रहे हैं, गॉड की तरफ ले जा रहे हैं, रियलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे होते हैं
थियोरिटिकल टाइप वाली। फिर जो दूसरे टाइप होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक टाइप। इकोनॉमिक टाइप मतलब ये ज्यादातर यूटिलिटी के ऊपर बात करेंगे। प्रैग्मेटिस्ट टाइप ये ज्यादातर होते हैं। इनके स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे तो ये ज्यादातर प्रैक्टिकल की बात करेंगे, इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करेंगे। अरे भाई पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसे माइंड सेट रखने वाले व्यक्ति होते हैं इकोनॉमिक टाइप। इनको अगर रोज आप दिखा दो, रोज दे दो, तो ये क्या करेंगे, रोज के ब्यूटी के ऊपर ये नहीं जाएंगे, रोज को ये एग्जिस्टेंस के हिसाब से नहीं देखेंगे, लेकिन रोज को ये क्या करेंगे, ये इनकम का जरिया है ऐसे सोचेंगे, और रोज को लेके वो बेच देंगे, बैंकेट बना देंगे, सेल कर देंगे और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा देंगे, रोज को ये बिजनेस का आधार बना देंगे। तो ऐसे होते हैं इकोनॉमिक टाइप वाले। फिर ये कैटेगरी देते हैं एस्थेटिक वाले। एस्थेटिक वाले ये ज़्यादातर नेचर के लवर होंगे, ब्यूटी के लवर होंगे, प्रकृति को ये लव करेंगे, ब्यूटी को ये अप्रिसिएट करेंगे, ऐसे व्यक्ति होते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक को ज़्यादातर आप देखोगे ये क्या करेंगे, दुनिया में जो फॉर्म्स है, जो हारमोनी है, उसी को ये ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसी को ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, वैल्यू देंगे, एडमायर करेंगे। ओके, तो इनको अगर आप रोज दिखाओ, तो ये क्या करेंगे, ये उसको उसके स्मेल को लेंगे, उसको इंजॉय करेंगे, इस ब्यूटी को वो अप्रिसिएट करेंगे, इसको कहेंगे दिस इज द सिंबल ऑफ लव। ये कहना है एस्थेटिक टाइप वालों का, ये सिंबल ऑफ लव के रूप में इसको देखेंगे, सिंबल ऑफ ब्यूटी के रूप में इसको देखेंगे। ओके, फिर होते हैं सोशियल टाइप। सोशियल टाइप यानी कि ये क्या होंगे, ये ज्यादातर सोशिएबल पर्संस होते हैं, ये औरों को ज्यादा हेल्प करते हैं, ये लोगों के साथ ज्यादा मिलेंगे खुलेंगे। ओके, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर आप देखोगे सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा रहेंगे। ओके, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर ग्रेगरस होते हैं, सोशल गैदरिंग में ज्यादा मिंगल करते हैं, रहते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये सारा कुछ काम करते हैं। ओके, और ऐसे व्यक्ति को अगर रोज दे दो तो क्या करेगा वो, ऐसे व्यक्ति को रोज दे दो तो ये कहेगा नहीं नहीं उस बंदे का बर्थडे है, चलो उसको रोज दे आते हैं, अरे वो बीमार है, चलो उसको रोज देके उसको गुड हेल्थ का विश कराते हैं। ये सोशल प्रोस्पेक्टिव्स में रोज को देखेंगे, रोज इज ए मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ऐसे कहना है ये सोशल टाइप वालों का। ओके, फिर होते हैं पॉलिटिकल टाइप वाले। पॉलिटिकल टाइप वाले, इनके दिमाग में ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स ज्यादा घूमेगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा घूमेगा। ओके, तो इनके सारे के सारे बिहेवियर पावर की तरफ होगा, पावर कैसे इनको प्राप्त करना है उसी के चलते ही ये बिहेवियर प्रदर्शन करेंगे, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे प्रभावित करना है, अपनी तरफ कैसे लेना है, इसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इनको हम रोज दे दें तो ये क्या करेंगे, ये माला बना देंगे। नेता लोग क्या करते हैं, माला पहनते हैं या फिर पहनाते हैं, जिन लोगों को ये क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जिन लोगों को ये क्या करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनके सामने ये कुछ भी कर सकते हैं, इंप्रेस करने के चक्कर में इनको कुछ भी पहना सकते हैं या फिर खुद पहनेंगे, क्योंकि वो बड़े लीडर्स है, वो बड़े पावरफुल है, उनके पास पावर है, उनके पास इन्फ्लुएंस है, तो वो खुद भी पहन सकते हैं। तो रोज को ये क्या करेंगे, माला बना देंगे। और जो छठे टाइप का होते हैं वो होते हैं रिलीजियस टाइप, धार्मिक व्यक्ति। ये ज्यादातर आप देखोगे यूनिटी ऑफ कॉस्मोस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनका माइंड ज़्यादातर स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, ये भगवान में ज़्यादा विश्वास करेंगे, गॉड में, ये गॉड के थ्योरी में ये ज़्यादा विश्वास करेंगे। इनको अगर आपने रोज दे दिया तो ये क्या करेंगे, ये गॉड के चरणों में लेके अर्पित कर देंगे। तो ये रोज को किस नज़र से देखेंगे, रोज को ये भक्ति के नज़र से देखेंगे। ओके, तो ये हो गया छह टाइप का, ये कहते हैं स्प्रेंगर। ओके, फिर यंग का हम देख लेते हैं, कार्ल यंग, जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट है। तो कार्ल यंग ये इंडिया भी आए थे, बुद्धिज्म के ऊपर इनका तो बहुत ही बड़ा स्टडी है, अगर आप इनको पढ़ो तो बुद्धिज्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इनके थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा। तो कार्ल यंग क्या करते हैं, कार्ल यंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे लोगों को डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं दो तरह के पर्सनैलिटी होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट और दूसरा होता है इंट्रोवर्ट। एक भी होता है जिसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट,
लेकिन ये एम्बीवर्ट कार्ल यंग ने नहीं दिया है। ये जो है ना, ये साइकोलॉजिस्ट तीसरा ग्रुप बनाते हैं एम्बीवर्ट, और ये कहते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच नहीं सकते कि चलो भाई आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, चलो भाई आप इंट्रोवर्ट हो गए, ऐसे करके आप स्ट्रेट लाइन निकाल ही नहीं सकते। आप देखोगे ह्यूमन पर्सनैलिटी में वो कभी कभी इंट्रोवर्ट भी शो करेगा, कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट भी शो करेगा, कभी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट शो कर रहा है, कभी कम कर रहा है, या फिर कभी ज़्यादा इंट्रोवर्ट शो कर रहा है, कभी एक्सट्रोवर्ट कम कर रहा है। तो दोनों क्वालिटी का मिक्सचर है ह्यूमन बींग, तो उसको वो नाम देते हैं एम्बीवर्ट। जो मिक्स क्वालिटी के होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, ऐसे करके अदर साइकोलॉजिस्ट ने इसका नाम दिया है। लेकिन कार्ल यंग दो टाइप की बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, उनका भी क्या कुछ क्वालिटी है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो एक्सट्रोवर्ट क्या है? एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहर मुखी रहते हैं, यानी कि सोशल ओरिएंटेड होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं। ये ज़्यादातर लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, लोगों के साथ बात करना चाहेंगे, लोगों के साथ मिक्स होना चाहेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे। ये ज्यादातर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फन लविंग होते हैं, और आप देखो कि ये ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ मिल रहे हो, घुल रहे हो, उनको जानने की कोशिश कर रहे हो, उनके वे ऑफ थिंकिंग को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। ओके, तो ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होता है, लीड करने की क्वालिटी ज्यादा होता है, क्योंकि जब औरों के दुखों को जानोगे, पीपल के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनको जानोगे, उनके थॉट्स को, इमोशंस को पहचानोगे, आपको इच्छा लगेगा कि नहीं उनके दुख को दूर करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये क्या है? ये लीडरशिप क्वालिटीज है। लीडर्स में एक्सट्रोवर्टनेस ज्यादा रहता है। ओके, फिर दूसरे टाइप वो बताते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने ये इनवर्ड ज़्यादा होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करने वाले ये ज़्यादा होंगे। ये वर्ड को अच्छे से आप याद कर लो, इंट्रोस्पेक्ट ये ज्यादा करते होंगे। ओके, तो इंट्रोस्पेक्ट को आप अच्छे से याद कर लो, इंट्रोवर्ट में इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा रहता है। ये एक्सट्रोवर्ट के टोटली ऑपोजिट होते हैं, ये ज्यादातर घुल मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों से ये दूर दूर रहेंगे, यानी कि इनके जो फ्रेंड सर्किल बहुत ही घट जाएगा, बहुत ही कम फ्रेंड सर्किल इनका रहता है। और ये ज़्यादातर सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ज़्यादा ओपन नहीं होते, और अकेला रहने की ये कोशिश करते हैं। ऐसे पीपल ज़्यादातर डॉगमेटिक होते हैं। तो इनका पर्सनैलिटी कैसा होता है? ये ज़्यादातर इनवर्ड रिफ्लेक्टिव होते हैं, रिजर्व रहते हैं, कम बोलने वाले रहते हैं, यानी कि साइलेंट रहने वाले होते हैं, और ज़्यादातर आप देखोगे विड्रॉ करने वाले होते हैं। ये सभी चीज़ों में खुद को विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ करने की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा होता है। ओके, और लास्ट में यंग का क्रिटिसिज्म भी दे लेते हैं। यंग को क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया पर्सनैलिटी में, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। जो बाहर मुखी है वो हो गए एक्सट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी है वो हो गए इंट्रोवर्ट। जो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते, अकेला रहना चाहते हैं वो इंट्रोवर्ट, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन खींच दिया। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं ह्यूमन नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप एक क्वालिटी से उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। कोई बंदा ऐसा भी होगा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, वो अभी इंट्रोवर्ट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट था, डिप्रेशन आ गया, कोई फेलियर आ गया, कोई लाइफ में क्राइसिस आ गया, उसके चलते वो इंट्रोवर्ट अभी शो कर रहा है, तो आप क्यों उसको इस कैटेगरी में क्यों रखोगे? तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो इंट्रोवर्ट ही है या फिर एक्सट्रोवर्ट ही है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसी के चलते इन्होंने और एक कैटेगरी का ईजाद किया, जिसको कि नाम दिया जाता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ही इज द मिक्सचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ओके, ये कहना था बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट का। ओके, फिर एक क्लासिफिकेशन आता है, ये रोजनमैन का या फिर फ्रेडमैन का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में आता है। ये बहुत सारे मेडिकल फैक्टर के हिसाब से ये क्या करते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन के बारे में कहते हैं। ये ज़्यादातर दो टाइप के पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं, वो है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी, ये ज़्यादातर आप देखोगे जो फ्रेडमैन है, रोजनमैन है, ये मेडिकल फील्ड से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और ये
साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में इन्होंने दो तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स बताती है, टाइप ए एंड टाइप बी। ओके, टाइप ए पर्सनैलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं ज्यादातर आप देखोगे ये ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है, ये रुकने वाले व्यक्ति नहीं होते, इनमें हड़बड़ी बहुत ज्यादा होता है, ये ज्यादातर आप देखोगे इनमें ये सोच रहता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत है लेकिन टाइम कम है, ये फील करेंगे शॉर्ट ऑफ टाइम का, इनके भी पास पेशेंस नहीं होगा, ये हड़बड़ी में ज़्यादा काम करने के लिए पसंद करेंगे। ओके, और ये ज़्यादा सोचेंगे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इसीलिए हमको जल्दी करना है, हमको जल्दी से ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन टाइम बहुत कम है, ऐसे वाले जो होते हैं ये टाइप ए होते हैं। और इनके माइंड में तरह तरह के ख्याल बहुत ही ज़्यादा चलते रहते हैं, ये ज़्यादातर स्लो डाउन हो ही नहीं सकते, रिलैक्स हो ही नहीं सकते, ये ज़्यादातर बिजी पीपुल है, ये ज्यादातर दौड़ने वाले व्यक्ति है, और इसी के चलते इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है बाद में अगर आप देखोगे, इनको हाइपरटेंशन हो जाता है, इनके बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज इनका बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने वाले व्यक्ति है, बहुत ज्यादा चिंताएं करने वाले व्यक्ति होते है, और इसके चलते भी आप देखोगे ये स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल ऐसे भी हैबिट्स इनमें ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिक्स लेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा चिंताएं करेंगे, इम्पेशेंस हो जाएंगे, हरी करेंगे, ये इसी के चलते इसको डाइजेस्ट करने के चलते क्या करेंगे, एडिक्शन की तरफ भी रुझान होता है। ओके, और इसके साथ साथ हमने तो पहले भी डिस्कस कर लिया कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ऐसे भी इनका प्रॉब्लम होगा। ओके, फिर होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी आप देखोगे टाइप ए के पूरा उल्टा होता है, टाइप ए के पूरा उल्टा होता है। ओके, ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, रियलिस्ट होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी। ये भी क्वेश्चंस में आया है, इसको अच्छे से याद कर लो। तो ये दोनों ने तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी दिया है, लेकिन बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जब इनको स्टडी किए, इनको क्रिटिसाइज किए, फिर इन्होंने और एक एक टाइप जोड़ते गए, जैसे कि एक टाइप सी पर्सनैलिटी है, और टाइप सी पर्सनैलिटी ये इनका फर्दर एक्सटेंशंस है, जो कि ए और बी का कैटेगरी है, इसका एक फर्दर एक्सटेंशंस है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे गए हैं कि इनको कैंसर्स होने का खतरा ज़्यादा होता है, दे आर प्रोन टू कैंसर्स, और ऐसे व्यक्तियों में कोऑपरेटिव, अनअसर्टिवनेस, पेशेंस ऐसे क्वालिटी ज़्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सप्रेस करते हैं अपनी नेगेटिव इमोशंस को, एंगर को, वो शो ही कर नहीं पाते, एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। ओके, फिर एक कैटेगरी आता है टाइप डी कैटेगरी। ओके, टाइप डी पर्सनैलिटी, और ये क्या है, ये ज़्यादातर डिप्रेशंस की तरफ जाने वाले पर्संस होते हैं, ये प्रोन टू डिप्रेशंस है, ये प्रोन टू कैंसर्स था, ये प्रोन टू डिप्रेशंस है, यानी कि अगर आप इनको देखोगे ये ज़्यादातर अपीलिंग होगे, सिंप्लिस्टिक होंगे। तो ये तो था टाइप थ्योरी, फिर देख लेते हैं ट्रेड थ्योरी। ओके, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी ज़्यादातर आप देखोगे पर्सनैलिटी को ये किस आधार पर देखने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से ये देखने की कोशिश करेंगे, ये कहेंगे ट्रेड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ट्रेड्स के चलते ही ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्रेस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है तो ट्रेड को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो पहला थ्योरी है एल्पॉट का ट्रेड थ्योरी, एल्पॉट का ट्रेड थ्योरी, एल्पॉट को अच्छे से पढ़ लो, इसका एक दो क्वेश्चन हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो एल्पॉट और उनके कॉलिग्स ने क्या किया, डिक्शनरी को लेके वहां से जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स है लगभग 18,000 वर्ड्स इन्होंने निकाले, और इनको फिर ये फिल्टर करते गए 4,541 तक, 4,541 तक इन्होंने फिल्टर किया, और फिल्टर करके इन्होंने अपना थ्योरी दिया। ओके, और ये कहते हैं दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, दो तरह के ट्रेड्स हमें होते हैं, एक होता है कॉमन ट्रेड्स, दूसरा होता है पर्सनल ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स जो होता है ये सभी में पाए जाते हैं, मेजोरिटी पर्संस में ये देखने को मिलता है, सभी सोसाइटी या फिर कल्चर में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सोसाइटी में ज़्यादातर उसी आप
ट्रेड को देख के सोसाइटी को या फिर कल्चर को कंपेयर भी कर सकते हो। ये सोसाइटी जो है इनके ट्रेड्स और इनके ट्रेड्स को देख के आप कंपेयर भी कर सकते हो। ये सोसाइटी बेहतर है क्योंकि इनमें ये वैल्यू है, ये सोसाइटी बेटर नहीं है क्योंकि इनमें ये वैल्यू है, ऐसे करके आप इनको क्या कर सकते हो, इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। क्योंकि मेजोरिटी व्यक्ति ये सोसाइटी का वही ट्रेड शो करते होंगे, इसी को ही वो कह रहे हैं कॉमन ट्रेड्स। तो जो कॉमन ट्रेड होते हैं ये आपके डे टू डे लाइफ में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत बार रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर होता है पर्सनल ट्रेड क्या है। पर्सनल ट्रेड आपका निजी ट्रेड है, आपका यूनिक पर्सनैलिटी को ये डिफाइन करेगा, आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट पर्सनल ट्रेड्स हो सकते हैं, ओके इसीलिए आप एक व्यक्ति का पर्सनल ट्रेड दूसरे व्यक्ति का पर्सनल ट्रेड कल्चर के आधार पे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक सोसाइटी में कई तरह के व्यक्ति होंगे। एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, इसका पर्सनैलिटी इसके पर्सनैलिटी से बहुत ही डिफरेंट भी हो सकता है। ये बता रहा है पर्सनल ट्रेड को। लेकिन अगर आप कल्चर के हिसाब से देखो तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। एक कल्चर में एक कॉमन फीचर्स होता है, एक सोसाइटी में एक कॉमन फीचर्स होता है, इसी के चलते ही हम कल्चर को डिफाइन करेंगे, सोसाइटी को फाइंड करेंगे। इसीलिए जो पहले हमने देखा कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन जो पर्सनल ट्रेड है उसी के आधार पे हम कभी भी इनको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे या फिर कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। और ये जो ट्रेड होते हैं ये व्यक्तियों को सोशलाइज करता है। और ज़्यादातर आप देखोगे ऐसे जो पर्सनल ट्रेड होते हैं ना, ऐसे पर्सनल ट्रेड ज़्यादातर कंसिस्टेंट होते हैं, लोगों में ज़्यादा डीप लेवल में ये रहता है। ओके, फिर पर्सनल ट्रेड को एल्बर्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड। कुछ बुक्स में आप देखोगे डायरेक्टली इनका 3 टाइप का पर्सनल ट्रेड है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ऐसे भी कुछ बुक्स में दिए हुए होते हैं। लेकिन ये ज्यादातर आप देखोगे ये पर्सनल ट्रेड का ही 3 सब कैटेगरी है। ओके, कार्डिनल मतलब ये शब्द से ही आप पता कर पा रहे होगे कि ये मोस्ट डोमिनेटिंग है, जो बिहेवियर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है हमारी लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है हमारे लाइफ में, वही है कार्डिनल ट्रेड या फिर कार्डिनल डिस्पोजिशंस। और ये ऐसा ट्रेड होता है जो हमारा आइडेंटिटी क्रिएट करता है, इसको अच्छे से याद कर लो, आइडेंटिटी क्रिएट करता है। इसी क्वालिटी के चलते एक अलग सी पहचान इनको मिलेगा, एक अलग सी आइडेंटिटी इनको मिलेगा, यही है कार्डिनल ट्रेड। और यह बहुत ही कम लोगों में होता है, 1-2 ही रहता है, ज़्यादा होता नहीं है। जैसे गांधी माना नॉन वायलेंस, ऐसे करके हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हरीश चंद्र माना सत्यवादी ही हम किसे रिलेट कर रहे हैं, सत्यवादी। ओके, सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला, सत्यवादी हरीश चंद्र, ऐसे करके हमने नाम इनके मिक्स कर दिया है। तो ये क्या है, ये एक ही गुणों से इंडिकेट हो रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। तो ये मोस्ट डोमिनेटिंग है लाइफ के हर फील्ड में, हर काम में आपका ये गुण दिखाई देगा। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कार्डिनल ट्रेड। फिर दूसरे टाइप का जो ट्रेड के बारे में ये कहते हैं ये है सेंट्रल ट्रेड। ये ज़्यादातर देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल में ये दिखाई देता है, ये जनरल ट्रेड है, सभी लोगों में ज़्यादातर यही ट्रेड दिखाई देता है। और हम में 5 या 10 ट्रेड ये तो होता है। जैसे कि आप देखोगे पंक्चुअलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, ये सभी में होता है। ये ज़्यादातर हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कार्डिनल ट्रेड से इक्विवेलेंट है, क्योंकि कार्डिनल ट्रेड एक स्पेशल ट्रेड है जो कि हर टाइम आप यूज कर रहे हो, जान जाए पर बचन ना जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप उस ट्रेड को छोड़ने वाले नहीं हो, आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज
कर सकती हो लेकिन वो ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी। ऐसी वाली स्थिति आ जाए तो वो हो जाएगा कार्डिनल ट्रेड। लेकिन हम यहाँ पर देखो, हम सब पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको किसी दिन 2 मिनट लेट जाना पड़े तो हम उसको क्या करेंगे, हम वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कार्डिनल ट्रेड वाले होंगे ना, 2 मिनट लेट होंगे ही नहीं, उनके लिए टाइम सबसे आगे रहेगा। वो भूखे रह जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वो इन टाइम पहुंचेंगे। हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के चक्कर में 1 मिनट लेट हो गया, वो हम एडजस्ट हो जाते हैं। इसको सेंट्रल ट्रेड कहा जा रहा है। ओके, कार्डिनल ट्रेड तो बहुत ही गहरा है, बहुत ही हाई लेवल का है। तो सेंट्रल ट्रेड ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर रहता है। ओके, क्वेश्चंस आता है क्या है जनरलाइज्ड ट्रेड, ऐसे करके भी क्वेश्चंस देता है, इसको अच्छे से याद कर लो। और जो लास्ट टाइप का है वो है सेकेंडरी ट्रेड। इनको कोई कोई कहता है टेम्पोरल ट्रेड भी कोई कोई कहता है। ओके, टेम्पोरल ट्रेड भी कहता है क्योंकि ये बहुत ही कम कंसिस्टेंट है। अभी दिख रहा है कुछ समय बाद या फिर कुछ दिन बाद ये ट्रेड, ये क्वालिटी डिसअपीयर भी हो सकता है। ओके, इसीलिए ये टेम्पोरल ट्रेड है, टेम्पोरल ट्रेड है। ये लेस एक्सप्लिसिट है, ये लेस मीनिंगफुल है इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स के लाइफ में, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है ही नहीं। तो ऐसे ट्रेड जो होते हैं, ऐसे ट्रेड व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बेटर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हेयर स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, ईटिंग पैटर्न हो गया, ये टेम्पोरल ट्रेड्स है। हेयर स्टाइल आज एक अलग है, किसी और को देख लिया, उसका हेयर स्टाइल पसंद आ गया, फिर हेयर स्टाइल हमने चेंज कर लिया, ये हमेशा नहीं रहता, ये ज़्यादातर हम चेंज करते रहते हैं। ड्रेसिंग सेंस, ईटिंग पैटर्न, ये सारे बहुत कुछ हम चेंज करते रहते हैं, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रेड्स या फिर सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। ओके, फिर दूसरा जो है ट्रेड थ्योरी वो है कैटल का ट्रेड थ्योरी। ये भी बहुत ही फेमस थ्योरी है, इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अच्छे से इसको याद कर लो। ओके, तो एल्पोर्ट ने जो रिसर्च किया था उसी रिसर्च के ऊपर इनका रिसर्च बेस्ड है। एल्पोर्ट ने जो लगभग 18,000 वर्ड्स निकाला था, यही 18,000 वर्ड्स को लेके फर्दर प्रोसेस करके इन्होंने 171 वर्ड रिड्यूस कर दिया, 171 वर्ड को लाया, जिनको कि ये कहते हैं ट्रेड एलिमेंट्स। उनके ऊपर भी बहुत सारा काम करके इनको इन्होंने ग्रुप कर लिया, लगभग 35 ग्रुप्स, उनको नाम दे दिया सरफेस ट्रेड। फिर फर्दर ये जो 35 थे उनका ओवरलैपिंग वगैरह रिड्यूस करके इन्होंने 16 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसको कहा जाता है 16 PF, यानी कि 16 पर्सनैलिटी ट्रेड। आपने पढ़ा होगा 16 PF इन्वेंटरी, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी 16 PF किससे रिलेट कर रहा है, कैटल से, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। 16 PF कैटल आपको अच्छे से याद करना है। और ये ऐसी थ्योरी नहीं दे रहे, फैक्टर एनालिसिस करके ये थ्योरी दे रहे, बहुत ही हाई लेवल का फैक्टर एनालिसिस करके ही ये अपना थ्योरी दे रहे हैं। ओके, तो ये जो पहला ट्रेड बताते हैं वो बताते हैं सरफेस ट्रेड। क्यों सरफेस है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पर्सनैलिटी के, आपके लाइफ के पेरीफेरी में ज़्यादातर मिलता है। पेरीफेरी इन द सेंस आपके हर काम में, डे टू डे इंटरेक्शंस में ये देखने को मिलेगा। आपके ऊपरी सतह में ये ट्रेड मौजूद होता ही होता है, यानी कि आप हर एक्टिविटी में इसको प्रदर्शन करोगे ही करोगे। ओके, इसीलिए ऐसे ट्रेड को इजीली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि यही तो है वो बिहेवियर जो आपके पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी हो गया क्यूरियोसिटी, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारे के सारे सरफेस ट्रेड है। ओके, फिर दूसरे टाइप के इन्होंने बात की है, वो है सोर्स ट्रेड। ये जो सोर्स ट्रेड है ये ज़्यादा स्टेबल है और ये आपके पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और ये आपके पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे भी आप कह सकते हो। और इसको आप डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते, इसको आप बिहेवियर को देख के इन्फर करके आप निकाल सकते हो कि ये जो ट्रेड दिख रहा है, ये जो क्वालिटी दिख रहा है, इसका सोर्स वो है, इसका छुपा हुआ ट्रेड ये है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप देखो थिंकिंग को आप कैसे
डिफाइन करोगे। ये थिंकिंग को आप सरफेस ट्रेड के हिसाब से नहीं बता सकते। आप पंक्चुअलिटी को आप सरफेस के हिसाब से दिखा सकते हो पंक्चुअलिटी को, लेकिन आप थिंकिंग को, जब ये क्या होगा, वेरियस वेरियस ट्रेड बाहर में आएगा, पंक्चुअलिटी आ रहा है, ऑनेस्टी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, आपके थिंकिंग के चलते आ रहा है। ये है भाई सोर्स ये है। ऐसे करके बहुत सारे सोर्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और अलग से जो पर्सनैलिटीज आ रहे हैं ये इसके चलते क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो ये इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है। और सोर्स ट्रेड कब नोटिस होगा, जब सरफेस ट्रेड बहुत सारे जॉइंट हो जाएंगे और आएंगे, तभी आप देखोगे और देख के कहोगे कि इसके पीछे ये था, ये ट्रेड था, ये ही है सोर्स ट्रेड। ओके, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, एक सोर्स ट्रेड हो गया फ्रेंडलीनेस एक सोर्स ट्रेड है, लेकिन फ्रेंडलीनेस को दिखाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सोशिएबल होना पड़ेगा, अनसेल्फिशनेस होना पड़ेगा। ओके, ह्यूमर आपके अंदर होना पड़ेगा। बहुत सारे क्वालिटीज को जब आप शो करोगे, उसको क्लब करके आप क्या करोगे, एक सोर्स ट्रेड को आप दिखाओगे, वो है ये। ओके, ये है इसका एग्जांपल। फिर कैटल क्या करते हैं, सोर्स ट्रेड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एनवायरमेंटली मोल्ड ट्रेड और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड। एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा जो मोल्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेफ हो रहा है, ऐसे ट्रेड को वो कहते हैं एनवायरमेंटली मोल्ड ट्रेड। ओके, और कुछ ट्रेड ऐसा भी होता है जो बाय बर्थ हमको मिलता है, हेरिडिटी के हिसाब से मिलता है, हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक फैक्टर के द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड। ओके, तो एनवायरमेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल, तो सोर्स ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर जो एल्पर्ट होते हैं और अलग टाइप का ट्रेड्स भी बताते हैं, जैसे कि डायनेमिक ट्रेड, एबिलिटी ट्रेड, टेम्पोरल ट्रेड की भी ये बात करते हैं। तो क्या है डायनेमिक ट्रेड्स, डायनेमिक ट्रेड्स वो ट्रेड्स है जो कि आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करेगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है डायनेमिक ट्रेड। यहाँ पर ज्यादातर आप देखो कि एटीट्यूड हो गया, सेंटीमेंट हो गया, ये आपके बिहेवियर को डायरेक्शंस देते हैं। आपका सेंटीमेंट जैसा होगा आपका बिहेवियर वैसा होगा, आपका एटीट्यूड जैसा होगा आपका बिहेवियर वैसा होगा, इसको वो कहते हैं डायनेमिक ट्रेड। फिर एक ट्रेड होता है एबिलिटी ट्रेड, मतलब ये आपको क्या करेगा, आपके गोल की तरफ ले जाएगा, आपकी एम की तरफ ले जाएगा। वो ट्रेड जो आपकी एम की तरफ ले जाता है उसको कहा जाता है एबिलिटी ट्रेड। आप में भी ये होगा ही होगा, जो आप प्रिपेयर हो रहे हो SSB जॉब के लिए, ये ट्रेड चाहिए भाई, एबिलिटी ट्रेड आप में वो है, इसीलिए आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हो। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं म्यूजिकल एबिलिटी, म्यूजिशियन बनने के लिए क्या चाहिए, म्यूजिकल एबिलिटी चाहिए, तो म्यूजिकल एबिलिटी किसके तरफ ले जाएगा, म्यूजिशियन की तरफ ले जाएगा, यानी कि बेटर म्यूजिशियन की तरफ ले जाएगा। और लास्ट में टेम्पोरल ट्रेड का मतलब क्या है, ये ट्रेड डेवलप किया गया ट्रेड है, पर्सन खुद के एफर्ट के द्वारा कोई गोल को पहुंचना चाहता है, उसी के चलते टेम्पोरल ट्रेड डेवलप्ड हो जाते हैं। तो ये है एल्पर्ट का, ये है कैटल का ट्रेड थ्योरी। ओके, फिर एक हम पढ़ेंगे मिक्स टाइप का ट्रेड थ्योरी, जो कि है ट्रेड प्लस टाइप को मिक्स करके जिन्होंने थ्योरी दिया है वो है आइजनेक, इनका भी थ्योरी को देखेंगे। ओके, फिर है आइजनेक का थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी, इनके थ्योरी को कहा जाता है टाइप एंड ट्रेड थ्योरी का, ये मिक्सचर थ्योरी है। और ये जो पर्सनैलिटी थ्योरी देते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है बायोलॉजिकल डायमेंशंस और जेनेटिकल डायमेंशंस, ये दोनों डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये दो अपोजिट क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, दो अपोजिट पर्सनैलिटी है। एक्स्ट्रावर्सन्स ये आउटसाइड को ज़्यादा तवज्जो देंगे, इंट्रावर्सन्स ये इनसाइड को ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये पीपल ओरिएंटेड है, ये सेल्फ ओरिएंटेड है, यानी कि आप देखोगे ये दोनों दो डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रावर्सन्स होगा वो ज़्यादातर आउटवर्ड होगा, जो इंट्रावर्सन्स होगा वो ज़्यादातर इनवर्ड होगा। ओके, और इनवर्ड किस तरफ होगा, इनवर्ड टुवर्ड्स द सेल्फ, खुद की तरफ ये ज़्यादा झुके हुए होंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रावर्सन्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड की तरफ, अदर्स की तरफ झुके हुए रहते हैं। जो एक्स्ट्रावर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर सोशली आउटगोइंग होंगे,
यानी कि वो पीपल के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ घुल मिल के रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंट्रोवर्सन्स वाला होगा वो सोशली विथड्रॉन होगा, सोसाइटी से दूर रहने वाला होगा, वो खुद में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साय नेचर वाला हो रहा है, ये टॉकेटिव हो रहा है। ओके, जो एक्स्ट्रावर्सन्स वाला है वो टॉकेटिव है, वो ज़्यादा बात कर रहा है, लेकिन जो इंट्रावर्सन्स वाला है वो साय नेचर वाला है। ओके, तो ये दो क्वालिटीज़ जो है, ये दो क्वालिटीज़ पूरी तरह से दोनों के ऑपोजिट ही है। ओके, तो ये जो दो क्वालिटी है ना, ये दो क्वालिटी हरदम ऑपोजिट इन नेचर देखने को मिलेगा, तो ये दोनों में हरदम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है। ओके, तो ये दोनों में अगर आप देखोगे तो जो एक्स्ट्रावर्सन्स है ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ग्रेगोरियस रहते हैं, इम्पल्सिव रहते हैं, थ्रिल सीकिंग रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, दुनिया की तरफ झुकाव इनका ज्यादा रहता है, इसीलिए ये क्वालिटी दिखाएंगे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, सेल्फ की तरफ जो झुकाव ज्यादा रहता है, वो ज्यादातर पैसिव रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। तो ये दो क्वालिटी कहीं ना कहीं दोनों ऑपोजिट जैसे लगते हैं। ओके, फिर एक कैटेगरी वो बताते हैं, न्यूरोटिसिज्म या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी दोनों की ऑपोजिट क्वालिटी को देखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी दोनों ऑपोजिट तरह की क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो एक में इमोशनल स्टेबिलिटी है, एक में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, तो न्यूरोटिक माने क्या हो गया, न्यूरोटिक माने हो गया मूडी होगा वो, एंग्जियस होगा, टेम्परमेंट उनका ज्यादा होगा, माल एडजस्टेड इंडिविजुअलिटी ज्यादा होगा न्यूरोटिक में। न्यूरोटिक में तो ये किसको बता रहा है, ये स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जो न्यूरोटिक होगा ऐसे क्वालिटी उनमें ज्यादा होगा। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोटिसिज्म का कॉन्सेप्ट, आइजनेक ने ये बात में दिया था। पहले तो इन्होंने तीन ही कॉन्सेप्ट कहा था, एक्स्ट्रावर्सन्स, इंट्रोवर्सन्स और न्यूरोटिसिज्म, लेकिन ये बात में इन्होंने ऐड किया है। ये दोनों भी कहीं ना कहीं ऑपोजिट इन नेचर है, साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी। जो साइकोटिसिज्म पर्सन्स होते हैं ये ज़्यादातर हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक, एंटी सोशियल्स ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो सोशियबिलिटी वाले होते हैं वो सोशियल होते हैं, समाज की सेवा में ज़्यादातर मन लगाते हैं। ये सारे क्या हो रहे हैं, ये दोनों ऑपोजिट जैसे दिख रहे हैं, ये सोशियल के खिलाफ जा रहा है, सोशियबल जो होते हैं जो सोसाइटी को बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट टाइप के लगते हैं। ओके, तो आइजनेक ने क्या किया है, आइजनेक ने एक क्वेश्चनर्स भी डेवलप किया है जिसको कहा जाता है ई पी क्यू, आइजनेक पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये आगे चल के हम जब पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप का पर्सनालिटी थ्योरी है वो है फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। कहीं कहीं पर आप पाओगे कि ये बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी लिखा हुआ भी होता है। ये किसने दिया है, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैकरे ने दिया है बिग फाइव फैक्टर पर्सनैलिटी थ्योरी। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, OCN से इसको हम याद करते हैं। O मतलब ओपननेस, ओपननेस का मतलब हो गया आप अपनी वे ऑफ थिंकिंग को आप ओपन रखोगे टू गेट अ न्यू आइडिया। तो ओपननेस का मतलब क्या है, आपका माइंड न्यूनेस के लिए ओपन है, न्यूनेस के लिए ओपन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यक्तियों में देखा जाता है कि ज़्यादा माइंड ओपननेस में नहीं रहता है, वो ज़्यादा क्या करते हैं, न्यूनेस को रिजेक्ट करते हैं, दे वॉन्ट टू स्टे विद इन द स्पीयर, विद इन द सर्किल, विद इन द बॉक्स। ओके, तो ये ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस किसकी बात करता है, ओपन टू द न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट को ये ओपन माइंड से ग्रहण करने के लिए रेडी है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज, न्यू इंटरेस्ट। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है ओपननेस। ओके, फिर होता है एक्स्ट्रावर्सन्स, जैसे वहां पर भी एक्स्ट्रावर्सन्स था जो कि ज्यादा सोशिएबल थे, ज्यादा एक्टिव थे, आउटगोइंग थे, ये बाहर मुखी थे। ओके, तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रावर्सन्स है, ये भी एक बहुत ही बड़ा पर्सनैलिटी है। फिर जो तीसरा है ये है एग्रीएबुलनेस, एग्रीएबुलनेस मतलब पीपुल रेडी है टू हेल्प अदर्स, टू कोऑपरेट अदर्स, टू बिहेव इन ए फ्रेंडली मैनर, टू केयर, टू नर्चर, ये क्या है, ये एग्रीएबुलनेस को बता रहा है। ऐसे वाले क्या होते हैं, ज्यादातर आप देखोगे कि ये हॉस्टाइल और सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति से ऑपोजिट होते हैं। फिर एक कैटेगरी है न्यूरोटिसिज्म, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंग्जियस, वॉरिड, फियरफुल, डिस्ट्रेस, इरिटेबल और हाइपर सेंसिटिव होते हैं। यानी कि जो वेल एडजस्टेड पर्सन है उनका पूरा ही ऑपोजिट ये रहते हैं, न्यूरोटिसिज्म। और लास्ट में जो है कॉन्सेंटियसनेस, कॉन्सेंटियसनेस क्या है, कॉन्सेंटियसनेस मतलब ये ज़्यादातर
अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे, डिपेंडेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, प्रूडेंट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और सेल्फ कंट्रोल होंगे। यानी कि जो इम्पल्सिव व्यक्तियां हैं इनके ओपोजिट ये होंगे। यानी कि यहां पर ये पांच कैटेगरी के बारे में बात करें, पांच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें। ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्सेंटियसनेस, ई फॉर एक्स्ट्रावर्सन, ए फॉर एग्रीएबुलनेस और एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। ओके, तो ये हो गया पांच फैक्टर, बिग फाइव फैक्टर थ्योरीज। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर हो गया साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी यहां पर आप ज्यादातर देखोगे ये अनकॉन्शियस लेवल की जो बिहेवियर है इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करेंगे। और साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर कहे जाते हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिसिस के फादर, और इन्होंने अपना रिसर्च बहुत सारे पेशेंट के ऊपर किया है। मेनली हिस्टेरिया पेशेंट जो थे इनके ऊपर इन्होंने बहुत ही गहरे लेवल पर रिसर्च किया है। और वे बताते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर के चलते कैसे हमारी पर्सनैलिटी शेप होता है, ओके, या फिर पर्सनैलिटी एक्सप्रेस होता है, ये बताते हैं सिगमंड फ्रॉयड। और इनका एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, बहुत ही फेमस बुक है। ओके, तो क्या है सिगमंड फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट वो भी थोड़ा देख लेते। तो सिगमंड फ्रॉयड एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जो कि ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, इंस्टिंक्ट के ऊपर सहजात प्रवृत्तियों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और ये कहते हैं हमारे दो टाइप के इंस्टिंक्ट ज्यादा होते हैं, एक को वो नाम देते हैं एरोस और दूसरे को कहते हैं थेनेटोस। एरोस का मतलब ये हो गया लव इंस्टिंक्ट या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन, हम खुद को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये हो गया एरोस। और दूसरा जो है थानेटोस यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट, हम खुद को बचाना चाहते हैं। इट इज़ द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो भी कर रहे हैं, घर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम खुद को बचाना चाहते हैं, क्यों खाना खा रहे हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, ये क्या है, ये थानेटोस ही है। ओके, तो ये दो बड़े बड़े इंस्टिंक्ट मनुष्यों में देखे जाते हैं। फिर है साइकिक स्ट्रक्चर। साइकिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रॉयड क्या कहते हैं, फ्रॉयड कहते हैं हमारा ह्यूमन लाइफ टोटली एक फोर्स के इर्द गिर्द घूमता है, वो है लिबिडल फोर्स। लिबिडल फोर्स इसको वो कहते हैं, ये है सेक्सुअल एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या है, ये लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स के हिसाब से फ्रॉयड एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और इसको ही कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो लिबिडो है व लिबिडल एनर्जी है इसको ही वो कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी। फिर ये माइंड के बारे में क्या कहते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कहते हैं एक कॉन्शियस माइंड होता है, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये कहना है फ्रॉयड का। फ्रॉयड ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा जो मेंटल प्रोसेसेस है ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस ही है। और सिगमंड फ्रॉयड क्या आर्ग्यू करते हैं, सिगमंड फ्रॉयड आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ बहुत ही छोटा पोर्शन है लाइफ का। जैसे कि समुद्र में ग्लेशियर जैसे दिखता है ना, ग्लेशियर बहुत ही छोटा पोर्शन दिख रहा होता है और नीचे बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, ठीक वैसे ही कॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक ए ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर से तो ये बहुत ही छोटा पार्ट्स दिखता है, बाकी जो 9 out of 10 पार्ट्स है, 9/10 पार्ट्स है वो अनकॉन्शियस माइंड है। ओके, तो ये तीन लेवल के बारे में बताते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो माइंड का वो हिस्सा जहाँ पर हमारा ऐसा मेमोरी है कि कभी भी हमको पूछा जाए हम तुरंत उत्तर दे पाए वो होगा कॉन्शियस। अगर आपको अभी आपका नाम पूछा जाए तो आप चटपट उत्तर दोगे क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड में है। अगर किसी चीज को आप देख रहे हो उसका कलर क्या है पूछा जाएगा तो आप चटापट इसका उत्तर दे दोगे क्योंकि कलर का कॉन्सेप्ट कहाँ है, कॉन्शियस माइंड में है। तो ये जो उत्तर आप दे रहे हो विद इन नो टाइम्स ये आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहा है, लेकिन जो प्री कॉन्शियस माइंड है थोड़ा सा कॉन्शियस से नीचे है। यानी कि यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगता है मुझे पता है लेकिन वो आंसर्स आपके दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर आपके जवान में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद वो आपके जवान में आ गया। ये क्या है, कहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर था, वो स्टोर था प्री कॉन्शियस माइंड में, प्री कॉन्शियस माइंड में। और सबसे जो गहरा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। ओके, और अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस, डिजायर, मेमोरीज, ये सारे कुछ वहां पर रहे
हुई होती है, ओके, वहाँ पर भरी पड़ी हुई होती है। और ये जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ के सभी इवेंट को इफेक्ट करता है, सभी एस्पेक्ट को ये इफेक्ट करता है। फ्रॉयड तो ऐसे भी कहते हैं कि ये अनकॉन्शियस है ना, ये हमेशा कॉन्शियस में आना चाहता है, कॉन्शियस में आना चाहता है। इसीलिए हमारे अंदर जो दबे हुए भावनाएं हैं, दबे हुए इमोशंस है, फीलिंग्स है, डिजायर्स है, वो बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में ऊपर आ जाता है। और हम उसको क्या करते हैं, स्लीप ऑफ टॉन्ग कहते हैं, या फिर कोई जोक के द्वारा, कोई ड्रीम्स के द्वारा, कोई अदर सिम्टम्स के द्वारा भी वो बाहर आ जाता है। ये क्या है, ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है जो कि कॉन्शियस लेवल में आने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉयड जो है पर्सनैलिटी को तीन कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बताते हैं, एक है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ये कहते हैं, ये देखो, ये ग्लेशियर जैसे ऊपर में दिख रहा है, ये है कॉन्शियस माइंड, और बाकी जो भरा पड़ा है ये है अनकॉन्शियस माइंड। और ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के जस्ट बीच में एक लेयर है, ये है प्री कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड। और इसमें से तीन एस्पेक्ट ये बता रहे हैं, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ओके। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लो। ईड जो है, ये है ईड पार्ट, ओके। ईड कहां पर है, टोटली अनकॉन्शियस है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ईड टोटली अनकॉन्शियस है। और ये ईगो है, ईगो में आप देख सकते हो, ये ज़्यादातर कहाँ पर है, ईगो ज़्यादातर कॉन्शियस में है, ज़्यादातर कॉन्शियस में है, लेकिन कॉन्शियस के साथ साथ कुछ कुछ प्री कॉन्शियस में भी है और कुछ कुछ अनकॉन्शियस में भी है। ये लेस है, ये हायर है, ऐसे करके आप इसको याद करोगे, ओके। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन तीनों में है, तीनों में है। ये पार्ट को अगर आप देखोगे, ये पार्ट में ज़्यादातर आप देखो, सुपर ईगो किस तरफ ढला हुआ है, अनकॉन्शियस की तरफ ढला हुआ है, प्री कॉन्शियस में भी है और कॉन्शियस में भी है। यानी कि ईड सिर्फ ऐसा आइडेंटिटी है जो कि ओनली अनकॉन्शियस है, ओनली अनकॉन्शियस है, लेकिन ईगो हो गया या फिर सुपर ईगो हो गया, ये तीनों में है, कॉन्शियस में भी है, प्री कॉन्शियस में भी है और अनकॉन्शियस में भी है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, अच्छे से इसको याद कर लो। लेकिन जो सुपर ईगो है, ये ज़्यादातर झुका हुआ किसके पास है, तीन में तो है, लेकिन ज़्यादा झुका हुआ अनकॉन्शियस में है। और जो ईगो है, ये भी तीनों में है, लेकिन ज़्यादा झुका हुआ किस तरफ है, ज़्यादा झुका हुआ ये कॉन्शियस की तरफ है, इसको भी याद करना है, ओके। तो क्या है ईड, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ईड को कहा जाता है, ये रिजर्वर है किसका, इंस्टिंक्चुअल एनर्जी का, इंस्टिंक्चुअल एनर्जी का। और इसी ईड में बायोलॉजिकल ऑर्जेस छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि सर्वाइवल इम्पल्सेस, सेक्स इम्पल्सेस, एग्रेशन इम्पल्सेस, ये सारा कुछ इसमें होते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। ईट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर पाना चाहता है, पेन को अवॉइड करना चाहता है, प्लेजर पाना चाहता है, इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, यानी कि इलॉजिकल थिंकिंग करेगा, कोई रेशनल थिंकिंग नहीं करेगा, इरेशनल वे में ये डिज़ायर के द्वारा मोटिवेटेड होगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा, ये प्लेजर को पाना चाहेगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन ऑफ इम्पल्सेस, मन में इम्पल्स उठा और वो इमीडिएट ग्रैटिफाई करने की कोशिश करेगा, ये है ईड, ये है ईड, ओके। और ये जो ईड है ना, ये ईड, ये बाय बर्थ रहता है, बाय बर्थ रहता है, आप जन्म से ये ईड को लेके आते हो। लेकिन बाकी जो ईगो है, सुपर ईगो है, ये जन्म के बाद धीरे धीरे जब हम समाज को जानते हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ यूज टू होते हैं, ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। लेकिन ईड हमें जन्म से ही, ईड हमारे साथ होता है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, इसको भी याद करना है, ओके। और ईगो क्या है, ईगो ज़्यादातर रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
इसको आप देखोगे ये अनकॉन्शियस भी है, प्री कॉन्शियस भी है, कॉन्शियस भी है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर ये झुकी हुई है, कॉन्शियस में ज़्यादा झुके हुए हैं। लेकिन ये तीनों पार्ट में, तीनों प्रकार के माइंड में ये है, ओके। और ये क्या करता है, ईड और रियल वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको ये मैनेज करने की कोशिश करता है, इसको ये बैलेंस करने की कोशिश करता है, ओके। और ईगो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, लॉजिकल, रैशनल, रियलिटी के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड होता है। फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मोरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मोरालिटी की ये बात करेगा, ये क्या कंटेंट करेगा, मोरल स्टैंडर्ड को ये कंटेंट करेगा, जो कि हमने सोसाइटी से सीखा है, धर्म से सीखा है, कस्टम से सीखा है, ट्रेडिशन से सीखा है, जो भी हमने सीखा है वो मोरल स्टैंडर्ड को ये कंटेंट करेगा, ओके। और यही सुपर ईगो ही है जिसके चलते हमें गिल्ट फीलिंग्स होता है, अगर हमने एथिकली कोई गलत काम कर दिया या फिर कोई गलत प्रवृत्तियों के आधार पे कुछ उल्टा सुल्टा काम कर लिया, तो जो गिल्ट फीलिंग्स हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, सुपर ईगो के लिए हो रहा है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ईड जो है, ईड क्या करेगा, ये बैड टेंपर को दिखाएगा, सुपर ईगो क्या है, ये गुड टेंपर है, और ये जो ईगो है, ईगो ये क्या करेगा, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करेगा, ओके। तो फ्रॉयड क्या कहते हैं, फ्रॉयड कहते हैं जो ईड है, ईगो है या सुपर ईगो है, ये तीनों के बीच हरदम क्या होता है, हरदम कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है। ईड क्या करेगा, ईड भागेगा बैड की तरफ, सुपर ईगो भागेगा गुड की तरफ, लेकिन ये दोनों को जो बैलेंस क्रिएट करेगा ये क्रिएट करेगा, ये दोनों में हरदम कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये बैलेंस करने वाला है। इसी के चलते क्या होगा, इसी के चलते ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी के चलते आपके माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट होगा, एंग्जियस फीलिंग्स क्रिएट होगा। फ्रॉयड तो ऐसे भी कहते हैं कि ये जो एंग्जाइटी अराइज हो रहा है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ईगो टू मेक अ बैलेंस। बैलेंस क्रिएट कर पाना ईगो के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ईगो का काम ही है दोनों के बीच में बैलेंस का क्रिएट करना। तो जिसका ईगो स्ट्रांग है, जिसका ईगो स्ट्रांग है वो बेटर चैनलाइज कर सकता है अपनी मेंटल एनर्जी को, ओके। तो पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट होती है फ्रॉयड के हिसाब से, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। फ्रॉयड कहते हैं एक एनर्जी है, एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी है हमारे अंदर, जिससे टोटल लाइफ हमारा डिटरमाइंड होता है, इसको वो कहते हैं साइकिक एनर्जी या फिर लिबिडो या फिर लिबिडल फोर्स, लिबिडल फोर्स। और साइकिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखोगे तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, एक है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। और ये तीनों के बीच क्या होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ईड क्या करेगा, ईड इमीडिएट ग्रैटिफिकेशंस को पूरा करने की कोशिश करेगा, और ये जो इम्पल्सेस के आधार पे इमीडिएट ग्रैटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच क्या होगा, क्लैशेस होंगे, क्योंकि सोसाइटी में एक अलग रूल्स है और आप एक अलग रूल में जाने की कोशिश कर रहे हो, खुद के इम्पल्सेस को आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओके। इस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करता है ईगो, इस कॉन्फ्लिक्ट को बेटर शेप देने की कोशिश करता है ईगो, ओके। और जो सुपर ईगो है ये तो मोरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और ईड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ईड है ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो ये मोरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये मोरालिटी की बात करेगा, ये प्लेजर की बात करेगा, ये दोनों में जो बैलेंस क्रिएट करेगा वो ईगो है, ये है रियलिटी, रियलिटी प्रिंसिपल है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अच्छे से याद करना है, ओके। फिर है यंग का एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, कार्ल यंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये रिजेक्ट करते हैं फ्रॉयड के जो लिबिडल एनर्जी है या फिर लिबिडल फोर्स है, इसको ये रिजेक्ट करते हैं, और ये कहते हैं जैसे हम में बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, ठीक वैसे ही लिबिडो भी एक तरह की जनरलाइज्ड एनर्जी है,
ये कोई डिफरेंट एनर्जी नहीं है, ये भी जनरलाइज्ड एनर्जी है, ये कहना है कार्ल यंग का। और इन्होंने जो पर्सनैलिटी थ्योरी दिया है ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, यानी कि थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कॉन्शियस ईगो है, पर्सनल अनकॉन्शियस है, या फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। ये तीनों को लेके हमारा पर्सनैलिटी डिटरमाइन होता है या फिर बनता है। ओके, तो क्या है कॉन्शियस ईगो, क्या है पर्सनल अनकॉन्शियस और क्या है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्शियस ईगो जो है ये सेंस ऑफ बीइंग की बात करेगा, जिसके अंदर कॉन्शियस एस्पेक्ट है थिंकिंग, फीलिंग्स और रिमेम्बरिंग का, इसके बारे में ये बात करेगा। फिर दूसरा जो है वो है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो रिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड एक्सपीरियंस है, जो दब गया है या फिर किसी कारण बस हमने दबा दिया है, उसके बारे में ये पर्सनल अनकॉन्शियसनेस बताएगा। ओके, और लास्ट में जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये प्रिमिटिव इन नेचर है, ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिमिटिव इन नेचर कौन सा है? कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। और यंग क्या बताते हैं? यंग बताते हैं ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है ये रिजर्वर है, रिजर्वर है अदर सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए। कलेक्टिविटी क्या है? कलेक्टिविटी बताता है कि वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कोई एक स्पीयर है जिसके चलते हम सब कनेक्टेड है। और इसको ये समझाने के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको ये कहते हैं आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स, आर्केटाइप्स का मतलब क्या है? ये कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आर्केटाइप से बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल्स आइडिया से बना है, यूनिवर्सल्स आइडिया से बना है, इसी को ही ये आर्केटाइप कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चंस आता है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जो प्रोपाउंडर है वो है एडलर, और ये भी फ्रॉयड के जो पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट है, लिबिडो का कॉन्सेप्ट है, इनको अपोज करते हैं, एडलर भी अपोज करते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये आर्ग्यू करते हैं जो लिबिडल फोर्स है ना, ये अर्जेस नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं अर्जेस टू बी पावरफुल इज द सेंटर फोर्स ऑफ लाइफ, लाइफ का सेंटर फोर्स है अर्जेस टू बी पावरफुल, पावरफुल बनने की जो इच्छा है यही सबसे बड़ी लिबिडल फोर्स है, ये सबसे बड़ी फोर्स है, यही हमें आगे बढ़ाता है, जिसको ये कहते हैं स्टाइल ऑफ लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ। इसीलिए ये रिजेक्ट करते हैं टाइप थ्योरी को या फिर क्लासेस को, ये रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं सारे इंडिविजुअल क्या है, सारे इंडिविजुअल के पास एक डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, इसको मेजर करना ही वास्तव में साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है या फिर पर्सनैलिटी मेजरमेंट है। और एडलर क्या कहते हैं? सभी व्यक्तियों में एक यूनिक पैटर्न इन हिमसेल्फ है, एक यूनिक पैटर्न, यूनिक पैटर्न है, इसीलिए उस यूनिक पैटर्न को हमको क्या करना है, हमको मेजर करना है, जानना है, यही वास्तव में पर्सनैलिटी है। तो क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी देख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म वो बिहेवियर है जिसके चलते हम एंग्जाइटी से बचने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम से जो पैनिक अटैक आ रहा है उससे बचने की हम कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एना फ्रैंक ने दिया है, जो कि सिगमंड फ्रॉयड के डॉटर है। ओके, और ये ज़्यादातर आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक है और अनकॉन्शियस है। एना फ्रैंक कहते हैं ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को हम यूज कर रहे हैं, ईगो को अननोइंगली इसको हम यूज कर रहे हैं। ओके, अननोइंगली इसको हम यूज कर रहे हैं ईगो को, ये भी क्वेश्चंस आया है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। ओके, तो जो टाइप्स वगैरह है डिफेंस मैकेनिज्म के उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रिप्रेशंस का मतलब क्या है? कोई पास्ट का अनप्लीजेंट थॉट्स हो गया, मेमोरीज हो गया, फीलिंग्स हो गया, जिसको हम भूलना चाहते हैं, जिसको हमने दबा दिया है, उसी को कहा जाता है रिप्रेशंस। जैसे कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल के हिसाब से कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो सकता है जिसको हम रिमेम्बर करना नहीं चाहते हैं। ओके, नहीं चाहते हैं, वो कहाँ चला जाता है? अनकॉन्शियस बिहेवियर में चला जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है, दब जाता है, छिप जाता है,
आता है, ये है रिप्रेशंस। फिर है रिएक्शन फॉर्मेशंस। रिएक्शन फॉर्मेशंस में क्या होता है, अंदर एक होता है बाहर एक होता है। आपका जो यूजुअल बिहेवियर है उसके आप विपरीत कार्य करते हो, आपके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इसको आप दिखाना चाहते हो। यानी कि आपके अंदर तो कुछ बुरी भावनाएं हैं लेकिन आप अच्छाई जैसे दिख रहे हो। यानी कि ऐसे आप कह सकते हो जो कि जो झूठे साधु होते हैं ना, झूठे साधु, ये क्या करते हैं, ये अंदर में कुछ होता है बाहर में कुछ होता है, ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशंस। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं अंदर में हेट होता है लेकिन वो लव दिखाते हैं, या फिर अंदर में लव होता है और बाहर में हेट दिखाते हैं। ये क्या है, ऑपोजिट बिहेवियर को शो कर रहे हैं, यही है रिएक्शन फॉर्मेशंस। फिर एक टाइप है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉल्ट है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग अदर्स। फॉल्ट हमारा है लेकिन हम उसको छुपाने के लिए प्रोजेक्टरों को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पॉलिटिशियन किसको ब्लेम करते हैं, पीपल को ब्लेम करते हैं। ओके, ये क्या है, ये प्रोजेक्शंस है। जैसे क्या होता है, बच्चा फेल हो गया है, बच्चा फेल हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन का एग्जांपल है, प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। कोई कोई ऐसा कहता है कि क्लासरूम में क्लॉक नहीं था इसीलिए मुझे टाइम पता नहीं चला, इसीलिए मैं फेल हो गया, ये भी एक तरह की प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड थॉट्स और फीलिंग्स को हम दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यही है प्रोजेक्शन। फिर है रैशनलाइजेशंस। रैशनलाइजेशंस का मतलब क्या है, रैशनलाइजेशन का मतलब है आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम आर्ग्यू कर रहे हैं किसके लिए, फॉर आवर मिस्टेक, और मिस्टेक्स को हम बता रहे हैं राइट, वी आर आर्ग्यूइंग फॉर द मिस्टेक एज राइट, ये हो जाएगा रैशनलाइजेशंस। रैशनलाइजेशंस में कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि ये पेन है ना, ये पेन से मेरा एग्जाम अच्छा होता है, ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है। दिस पेन गिव्स स्कोर, ये रैशनलाइजेशंस है, रैशनलाइजेशंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक ने एक को कहा, ओके, एक ने एक को कहा, ये रिवर्स नहीं कह सकता, तो इसने किसको कहा, इसने और एक को कहा, यानी कि ये इसके ऊपर एंग्री हुआ लेकिन ये इसके ऊपर एंग्री हो नहीं सकता, तो ये इसके ऊपर एंग्री हो रहा है, तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पर हम ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स करेंगे, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। ये कौन सा ट्रांसफर है, सपोज ए है बी है, ए बी को बुरी तरह से टॉन्ट किया, बुरी तरह से बुरा भला कहा, लेकिन बी इन रिटर्न ए को नहीं कह सकता क्योंकि ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है, तो बी क्या करेगा, किसी और को ये रिएक्शंस दिखाएगा, ये इमोशंस दिखाएगा, यानी कि घर में आके बच्चों को दिखा सकता है, वाइफ को दिखा सकता है, किसी और को दिखा सकता है, तो ये क्या है, डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ का जो रिएक्शंस था किसी और में रिएक्शंस दिखा रहा है, यानी कि डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ फीलिंग्स, इसको कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर है डैनियल। डैनियल का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, रोक ठोक मना कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो कुछ सी चीज़ को। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, मम्मी कॉल कर रहे थे, मम्मी बुला रहे थे, लेकिन ये जानबूझ के, क्योंकि टीवी में इतना अच्छा सीरियल चल रहा था, इतना अच्छा सीन चल रहा था, इसको ये मिस नहीं करना चाह रहा था, तो इसके चलते ये माँ की जो पुकार आ रही थी, कॉल आ रही थी, उसको ये रिसीव नहीं किया, तो माँ बाद में आके इसको बुरा भला कहती है, तो ये क्या कहता है, ये सीधा सलख डिनाइल करेगा कि मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ, ऐसे करके डिनाई करते हैं, ये हो गया रिफ्यूजल ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जो डिनाइल का मैकेनिज्म है इसको कई कई ऐसे भी कहते हैं, ये एस्केप फ्रॉम रियलिटी है, एस्केप फ्रॉम रियलिटी है, आप रियलिटी से भागना चाहते हो, रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते हो, इसीलिए आप एक बाईपास ले रहे हो, इसीलिए इसको कहा जा रहा है रिफ्यूजिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, आप रिफ्यूज करना चाहते हो, आप रियलिटी से भागना चाहते हो।
जैसे कि आप देखे होंगे, अगर किसी को एक डिजीज़ हो गया है, ओके डिजीज़ हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके पास सिर्फ 3 महीना ही है, तो ये क्या करेगा, ये और एक डॉक्टर के पास चला जाएगा, ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, एक रिफ्यूज़ल क्रिएट कर रहे हो, यानी कि एक डिनायल का डिफेंस मैकेनिज्म है। रिग्रेशंस का मतलब क्या है, रिग्रेशंस का मतलब है रिवर्टिंग टू ए मोर इमेच्योर स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमेच्योर स्टेट में चले जाना। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जमील नाम का एक बच्चा है और अभी अभी उसी के घर में क्या हुआ है, एक नया बेबी का बॉर्न हुआ है और सडनली क्या हो रहा है, सडनली वहाँ पर दिखा गया है कि इसको अब ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, इसको ज़्यादा लव किया जा रहा है, जमील को कम लव अटेंशंस मिल रहा है, तो उसके चलते उसमें क्या हो रहा है, रिग्रेशंस क्रिएट हो रहा है और उसके चलते बच्चा क्या करेगा, इसके चलते बच्चा क्या कर रहा है, नाइट में बेड को वेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये रिग्रेशन के चलते हो रहा है, ओके। फिर है सबलिमेशन, सबलिमेशंस में क्या होता है, सबलिमेशंस में हम क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं। एक एक शब्द से आप इस सारे को याद कर सकते हो, चैनलाइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो ब्रेकअप किए हुए होते हैं, जिसका ब्रेकअप हो गया होता है, वो क्या हो जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, शायर बन जाते हैं। ये क्या है, इसको आपने क्या किया, ये जो डिप्रेशन का स्टेज था इसको आपने सबलिमेट कर दिया, सबलिमेट कर दिया, चैनलाइज कर दिया। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और लास्ट में हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो कैसे पर्सनैलिटी को मापा जाता है, असेस किया जाता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि पर्सनैलिटी को सब्जेक्टिव वे में या फिर ऑब्जेक्टिव वे में या फिर प्रोजेक्टिव वे में मेजर कर सकते हैं, ओके। क्या है सब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है प्रोजेक्टिव, उसको भी जान लेते हैं। पहला जो है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल को परमिट किया जाता है टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो खुद को डिस्क्राइब करेगा, खुद के फीलिंग्स को, खुद के ऑब्जर्वेशंस को वो क्या करेगा, वो बताएगा, और उसी के वर्ड के चलते ही हम उसका पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ही सेज अबाउट हिज ट्रेट, वो खुद के बारे में बताएगा, खुद के ट्रेट के बारे में, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, खुद के नीड, इंटरेस्ट, एम, ये सारा कुछ वो बताएगा और उसी के आधार पे हम उसको कहेंगे कि इसका पर्सनैलिटी ये है या फिर वो है, ओके। तो ये कैसा मेथड हो रहा है, ये डायरेक्ट मेथड हो रहा है और ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो जैसा कहेगा उसी के आधार पे हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये लेस रिलेबल है, क्योंकि जो बंदा बोल रहा है वो बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकता है, अंदर में कुछ होगा बाहर में भी कुछ बोल सकता है, इसीलिए ये लेस रिलेबल है और इसमें पर्सनल बायसनेस आने की संभावना है, क्योंकि ये पर्सन खुद कह रहा है, खुद के बारे में कह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारा लुब्रिकेटेड करके बताएगा, लुब्रिकेटेड इन द सेंस वो सारे के सारे अच्छाई ही बताएगा, बुराई कभी नहीं बताएगा, ओके। तो सब्जेक्टिव का बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी में खुद के जीवन कहानी खुद लिखते हैं, ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। फिर हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स के जो इम्पोर्टेंस लाइफ इवेंट होते हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं या फिर नोट डाउन करके रखे हुए होते हैं, ओके। फिर डायरीज हो गया, डायरीज में हम क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर साझा करते हैं। फिर हो गया इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या हो रहा है, इंटरव्यू में फेस टू फेस वर्बल एक्सचेंज हो रहा है, ये भी सब्जेक्टिविटी को बताएगा, यानी कि ये सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी मेजरमेंट है। फिर हो गया ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस भी वॉचिंग अदर्स बिहेवियर, औरों के बिहेवियर को जो वॉच कर रहे हैं, ये भी वन टाइप ऑफ सब्जेक्टिविटी है, ओके। क्योंकि जिसके बिहेवियर को हम वॉच कर रहे हैं फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेन अपने हिसाब से करेंगे, अपने थॉट पैटर्न से करेंगे, ओके। फिर एक होता है पर्सनल डाटा ब्लैंक, पर्सनल डाटा ब्लैंक क्या होता है, जो काउंसलर लोग होते हैं स्टूडेंट लोगों को व चाइल्ड को क्या करते हैं, एक पर्सनल डाटा का एक सीड देते हैं, इस सीड के आधार से वो क्या करते हैं,
वो बच्चे अपने आप को आकलन करते हैं, ये पर्सनल डाटा ब्लैंक हो गया। फिर क्वेश्चनर रेटिंग स्केल या फिर सोशियोमेट्री, ये तीनों जो है, और ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, ये पांचों ज़्यादातर आप देखोगे सब्जेक्टिविटी का ये कोर आइडियोलॉजी है। ओके, क्वेश्चनर में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कोई एक थीम के ऊपर या फिर कोई एक प्रोसेस के ऊपर या फिर कोई एक पीरियड के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस बना के उनको दे रहे हैं, वो फिलअप करके हमको दे रहे हैं, उसी के आधार पर हम उनका पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रेटिंग स्केल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बंदा और एक बंदे का रेटिंग करेगा, उसी के आधार पर हम पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट है वो है सोशियोमेट्री, यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे ये सोशल ग्रुप की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा। ये सारे के सारे सब्जेक्टिविटी बेस्ड पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है, ओके, या फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट की विधियाँ है। फिर जो दूसरे टाइप का है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, उनका जो ओवर्ट बिहेवियर है वो दूसरे के द्वारा रिवील किया जा रहा है। वो दूसरा कौन हो सकता है, ऑब्जर्वर हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है, जज हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये स्पेशली आपके उन बिहेवियर को, आपके उन पर्सनैलिटी को वो जज करेंगे, और जज करके आपको क्या करेंगे, आपको आपका पर्सनैलिटी बताएंगे। ओके, तो ये ज़्यादातर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप कौन कौन होते हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज जो होते हैं, ये इन्वेंटोरीज ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर, बहुत सारे इंसिडेंट के ऊपर ये स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस बने बनाए होते हैं, उसी के आधार पर ही हम क्या करेंगे, व्यक्तियों का पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करेंगे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है MMPI है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये जो MMPI है ये 1943 में हैथवे और एक इनके साथी थे जिनको कहा जाता है मैकिनले ने, ये क्या किया था, ये इन्वेंट किया था 1943 में। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ओके, आप ज़्यादातर देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये इनडायरेक्ट होते हैं। और लास्ट में है प्रोजेक्टिव टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी विधियाँ का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके चलते जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट अपने अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, उसको प्रोजेक्ट करेगा। जैसे कि कोई इनडिफिनाइट अनस्ट्रक्चर स्टिमुलस उसको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि उसको अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के चक्कर में वो क्या करेगा, अपनी जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको वो प्रोजेक्ट करेगा और वहाँ पर ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो इसीलिए प्रोजेक्टिव को कहा जाता है मोस्टली एक्सेप्टेड या फिर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। और इसका जो एग्जांपल वगैरह है, रोसर्च का इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, या फिर थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट हो गया। रोसर्च के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, टेट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, और ये रोसर्च जो इंक ब्लॉक टेस्ट है, इसको डेवलप करने वाले हैं हॉर्मन रोसर्च। ओके, ये 1921 में इसको डेवलप्ड किए थे। और इसका जो टेस्ट का सिस्टम है, यहाँ पर 10 कार्ड्स होते हैं जो कि दो तरह के कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट कार्ड होता है और 5 कलर्ड कार्ड होता है। इसी के चलते ही ये क्या करेंगे, ये पर्सनैलिटी को जज करेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। फिर होता है टेट। टेट को अगर आप देखोगे, ये 1935 में इसका इजाद हुआ है, मॉर्गन और मुरे ने इसका इजाद किया है। मुरे, ये नाम ज़्यादा फेमस है, मॉर्गन और मुरे 1935 में इसको डिवाइज किए हैं। ओके, और इसमें ज़्यादातर 31 कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड्स, और ये 31 कार्ड्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो 30+1 में, 30+1 जो है ना, 30
डिपिक्ट करेगा वेरियस सीन्स को और एक ब्लैंक कार्ड होता है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, जो टेड में कार्ड्स होता है कितने ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, इसको भी अच्छे से याद करना है। ओके, फिर होता है कैट, कैट का मतलब हो गया चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट। इसको बनाने वाले है डी एल बेलॉक, इसके प्रोपाउंडर है डी एल बेलॉक। ये ज्यादातर देखोगे क्योंकि इसका नाम ही चिल्ड्रेन बेस्ड है, तो ये चिल्ड्रेन के लिए ही है। 3 to 10 years का जो चिल्ड्रेन होते हैं इनके ऊपर ही ये टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर भी 10 cards रहते हैं, 10 cards रहते हैं, उसी कार्ड के आधार पे ही ये क्या करेंगे, पर्सनैलिटी को जज करेंगे। ओके, फिर होता है वेट, वेट का मतलब हो गया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एग्जामिनर है ये बहुत सारे वर्ड को अटर करते हैं वर्ड को, और जो सब्जेक्ट होता है ये इसी वर्ड में से कुछ वर्ड को क्या करेंगे, कैच करेंगे और उसी के ऊपर ये बोलेंगे। यानी कि कौन से वर्ड आप कैच कर पाओगे, जो वर्ड आपके दिमाग में घूम रहा है, जो सिचुएशन, जो पेन या फिर जो इमोशंस आपके दिमाग में घूम रहा है उसी को ट्रिगर करता हुआ कुछ वर्ड को आप पकड़ लोगे। तो ये क्या है, इसी से ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है, आपके अनकॉन्शियस थॉट्स क्या है। ओके, और जो लास्ट वन है वो है SCT यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा जो कि ओपन एंडेड है, कुछ भी आंसर्स हो सकता है, लेकिन जो शब्द आपको दिया जाएगा, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उससे आप कौन से शब्द भर रहे हैं, उस शब्द से आपके अंदर छुपी हुई या फिर दबी हुई अनकॉन्शियस फीलिंग्स का पता चल जाता है। तो यही है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो भावनाएं या फिर इमोशन छुपी हुई है, दबी हुई है, आप किसी और मीडियम के द्वारा, जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, उसी मीडियम के चलते आप अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स को या फिर अनकॉन्शियस डिजायर को उसी के चलते आप एक्सप्रेस कर पाते हो। इसी से ही पता चल जाता है कि आपका पर्सनैलिटी क्या है। और लास्ट में हम देख लेते हैं MCQs। ओके, MCQs। तो पहला जो क्वेश्चन है, टीचर का मेंटल हेल्थ को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो पहला जो है, ए टीचर हैंडल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग फॉस, ये नहीं होगा। ओके, ए टीचर डील विथ स्टूडेंट इन ए फ्रेंडली मैनर में डील करना है, ये होने की संभावना ज़्यादा है। बाकी भी देख लेते हैं, टीचर कंट्रोल हिज इमोशंस इन द क्लास, ऐसा नहीं है। ए टीचर परस्यूड हिज स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स, ये भी नहीं है। फ्रेंडली मैनर में बिहेव करना है। ओके, विच ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट में बी टेकन एज एक्सप्लानेटोरी प्रिंसिपल के ऊपर कौन है, सोर्स ट्रेट है। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था फ्रेंडलीनेस को आप डायरेक्ट एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, फ्रेंडलीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे सरफेस ट्रेट को आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं केयर करता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता हूँ। ओके, ये सारा क्या है, ये छोटे छोटे सरफेस ट्रेट है, लेकिन ये सारे मिल के ये ट्रेड को क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड को हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि ये ट्रेड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये है सोर्स ट्रेड। ओके, तो सोर्स ट्रेड को हमको एक्सप्लानेटरी प्रिंसिपल के आधार पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर होता है एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगिन विथ, एडजस्टमेंट किससे स्टार्ट होता है, नीड से स्टार्ट होगा। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे यूज होता है, ईगो ऑफ ए पर्सन अनलोइंगली, क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो एंग्जाइटी आया है और जो रियलिटी है ये दोनों के बीच बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन ये नोइंगली नहीं हो रहा है, ये अनलोइंगली हो रहा है। ओके, फिर हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी होने का कारण क्या है, प्रॉपर केयर ये नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये होना चाहिए, इमोशनल डिसऑर्डर ये नहीं, लैक ऑफ प्रॉपर केयरिंग ये भी नहीं है। ओके, बिग फाइव फैक्टर मॉडल ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, OCEAN, यानी कि ओपननेस,
कॉन्सेंटियसनेस, एक्स्ट्रावर्सन, एग्रीवियेबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, ये है इसका राइट आंसर्स। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी अनकॉन्शियस पार्ट कौन सा है? अनकॉन्शियस पार्ट ईड है या ईगो है या सुपर ईगो है या बोथ ईड एंड सुपर ईगो? बोथ ईड एंड सुपर ईगो होगा, क्योंकि ईड, देखो ईड रहता है, अगर आप ऐसे करके ये ड्रॉ करोगे, ओके ऐसे करके ड्रॉ करोगे, तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड, ये हो गया प्री कॉन्शियस और ये हो गया अनकॉन्शियस, ये है। और यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर रहेगा ईड, ये है ईड, ये है ईड। ईड टोटली अनकॉन्शियस है, ईड टोटली अनकॉन्शियस है। और ये हो जाएगा ईगो, ईगो ईगो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि ईगो तीनों है, ओके, कॉन्शियस भी है, प्री कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है। और ये सारे के सारे सुपर ईगो है, सुपर ईगो भी कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ओके सुपर ईगो, तो ये दोनों तीनों है, लेकिन ईड सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस पूछा है तो बोथ ईड एंड सुपर ईगो होगा इसका राइट आंसर्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा नहीं है, पूछा है नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, टेट होता है, रोस्टर्स इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, लेकिन सिचुएशनल टेस्ट नहीं होता, ये होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ साइकी, साइकी का रैशनल कॉग्निटिव फंक्शंस कौन सा है, वो है थिंकिंग एंड फीलिंग्स, ओके। फिर है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का जो क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया है, ये दिया है कार्ल यंग ने। कार्ल यंग ने तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दिया था, बाद में लोगों ने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी बहुत सारे लोगों में होते हैं, ऐसे कह के एक और कैटेगरी क्रिएट कर दी, एम्बीवर्ट। तो ऐसे करके तीन कैटेगरी डेवलप्ड हो गई, तो ये होगा इसका राइट आंसर्स, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू द पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के हिसाब से कौन सा नहीं है, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस में हमने जो पढ़ा था मल्टी फैक्टर थ्योरी, ओके। मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, यहाँ पर तीन चीजों की ये बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, आइडिया और कॉन्क्रीट, लेकिन इंटेलिजेंस थिंकर यहाँ पर नहीं होते, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेट, टेट किसने दिया है, टेट दिया है मुरे ने, ओके। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन रोसर्स इंक ब्लॉक टेस्ट, रोसर्स के इंक ब्लॉक टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 कलर होते हैं, ओके। तो ये है आज का वीडियो, बहुत ही लंबा हो गया है, मैं जल्द से जल्द चाहूंगा कि सारे चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन कॉलेज में इतना सारा काम है, उस काम को खत्म करके फिर आके क्लासेस करके वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, ये बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विद इन टाइम आपके सारे सिलेबस को कवर कर लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।